हेलो एवरीवन चलिए आज हम अपना ऑडिटिंग एंड एथिक्स का सी इंटरमीडिएट न्यू स्कीम का जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सो so, आज हम चैप्टर नंबर वन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे राइट और क्लास के एंड में देखेंगे कि जो हम क्वेश्चन आंसर जो हम एम सी क्यूज कर रहे हैं छोटे छोटे वो हमसे समझ में आ रहे हैं या नहीं तो चलो लेट स्टार्ट देखो बच्चे जब हम लोग अपने पास ऑडिटिंग एंड एथिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर वन है दैट इज ऑल अबाउट कि ऑडिटिंग क्यों कर रहे हैं क्या इसका स्कोप है क्या इसकी ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर सो so, सबसे पहले जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं हम चैप्टर नंबर वन जो आपके पास कॉन्सेप्ट बुक है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन के टॉपिक नंबर सेकेंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग से पर यहां पर आने से पहले सबसे पहले एक बेस अपना प्रिपेयर करके चलते हैं सो लेट्स डू वन थिंग हम ऑडिटिंग का डेफिनेशन भी करने से पहले कुछ मैं आपको पहले एक लॉजिकल ऑर्डर में बेसिक बात बताना चाहते हो राइट right? चलिए आप मुझे एक बात बताओ आप लोगों ने सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसको कहते हैं राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक ना एंटिटी है और एंटिटी है कोई टी लिमिटेड Now, अपने टाय से टायर वाला Now, ये टायर हो सकता है एम आर एफ टायर हो सकता है वो एवर अगर ये कोई टी लिमिटेड है और ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जरूरी तौर पर एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल भी आएगा ही आएगा भाई राइट right? और पी एंड एल हमेशा किसके लिए होगा फॉर द पीरियड मतलब अगर ये लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के तो ऑब्वियसली वो इनको बताएगा कि क्या इनके रिजल्ट रहे हैं उस बीते साल के अंदर मतलब ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के अंदर क्या इनके रिजल्ट रहे हैं एक इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा दैट वुड बी बैलेंस शीट जो इनको पोजीशन ऑफ यू नो क्या असेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं वो बताएगा एंड दैट वुड बी एट द बैलेंस शीट डेट ये हम सब लोग जानते हैं प्लस इसके साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डिस्कलोजर्स होंगे वो जरूरी होंगे राइट right? जैसे इसमें आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसीज जो टी लिमिटेड है वो अपनी मेन मेन अकाउंटिंग पॉलिसीज लिख देगा अगर कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है उसका डिस्क्लोजर चला जाएगा ये सब डिस्क्लोजर्स भी रहेंगे अच्छा अगर आपके दिमाग में बात आ रही हो कि मैम ये लिखना है क्या तो नहीं अभी आपको कुछ नहीं लिखना है जहां से हमें टॉपिक्स लिखने स्टार्ट करने हैं आई वुड टेल यू जहां से हमको नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं अभी ये नहीं है दिस इज ओनली फॉर द लॉजिकल कनेक्शन बेसिकली एक टी लिमिटेड है और अगर मान लो ये कंपनी है तो कंपनी के लिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होगा उनको उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है और कंपनीज एक्ट के अंदर ये रिक्वायरमेंट दी हुई है कि उनके यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी एंड एल भी बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना होगा स्टेटमेंट जो उनके पास बैलेंस शीट आएगी वो भी बनाना होगा नोट्स अकाउंट्स भी उनको बनाने होंगे और उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है तो ठीक है ये जो टी लिमिटेड है इसने अपने पूरे साल भर का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया इस पर्टिकुलर एंटिटी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं आप ये बताओ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है जो सूचनाएं आई हैं, मतलब सेल्स हुई है, है पांच करोड़ की परचेजेस हुई हैं तीन करोड़ की इन्वेंट्री रखी है हमारे पास में मान लेते हैं वन सीआर का ये सब जो सूचनाएं हैं ये सब जो इंफॉर्मेशन हैं,

क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बनाए होंगे नो सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने होंगे एक बहुत बेसिक सी बात मान के चलते हैं इनके मैनेजमेंट ने होंगे अगर मान लेते हैं हम कहते हैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स की देखरेख में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए गए होंगे इतनी बात तो सबको समझ आती है अब आप एक बात सोचो पर जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किए जाएंगे अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को न्यूज़पेपर में छापा जाता है मान लो टी लिमिटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को न्यूज़पेपर पेपर से अंदर छापती है अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करती है तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं इस साल के इनको तो यूज करेंगे बहुत सारे यूजर्स यूज करेंगे ऑब्वियस सी बात है मैम बहुत सारे यूजर्स इनको क्यों यूज करेंगे एक बात बताओ टी ने जहां से अपना रॉ मटेरियल खरीदा है अगर ये टायर वाला लिमिटेड है और इन लोगों ने किसी रबर बनाने वाली कंपनी से रबर खरीद रहे हैं राइट तो जो कुछ पर्टिकुलर पार्टीज इनको समान अगर उधार पर बेच रहे हैं अगर इनके क्रेडिटर्स है तो वो लोग इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में बड़े इंटरेस्टेड हैं कि भाई ये जो टी लिमिटेड है इसको प्रॉफिट्स हो रहा है या ये लॉस मेकिंग है अब एक बात बताओ ये लोग अगर क्रेडिट पे सामान देंगे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल्स देंगे तो वो किसको प्रोवाइड करेंगे जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी या जो लॉस मेकिंग होगी मैम जो प्रॉफिट मेकिंग होगी तो जो इनके क्रेडिटर्स है जो टी लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर प्रॉफिट्स आ रहे हैं या नहीं इनकी जो असेट की बैकिंग है मतलब इनकी असेट्स कैसी हैं, वो अच्छी हैं या नहीं है बिल्कुल इसी तरह से आप एक बात बताओ आपने नाम सुना होगा जीएसटी का नहीं मैम हमने तो पढ़ा भी है जीएसटी अच्छा चलो ठीक है पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है आप बताइए जो टी लिमिटेड का रेवेन्यू होगा जो इनकी सेल्स होगी उसके ऊपर जीएसटी की इम्प्लीकेशन आएंगी नाउ गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इन्होंने जितने टैक्सेस पे किया जितने रेवेन्यू पे टैक्सेस लगाया वो सही लगाया है या नहीं राइट right? अब आप एक बात बताओ अगर मान लो स्टी लिमिटेड को कोई लोन लेना है मान लेते हैं इन लोगों को लोन उठाना है एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये लोग एक नया कुछ फैक्ट्री ये लोग लगा रहे हैं उसके लिए इनको लोन्स लेने हैं ये लोग कहे एसबीआई के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम तो सुना ही होगा राइट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने बोला कि प्लीज आप हमको दो करोड़ का लोन सेंक्शन कर दीजिए नाउ एस बी आई इज इंटरेस्टेड इन नोइंग भाई मैं इस पार्टी को लोन दू या लोन ना दू राइट तो बैंकर भी यूज कर रहे हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए कि इनकी माली हालत कैसी है क्या ये लोग प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं क्या ये लोग मेरा लोन अगर मैं इनको दे भी दूंगा तो उसको समय से भरपाई कर पाएंगे या नहीं टाइमली उसका रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं आई होप लॉजिकली बात समझ आ रही होगी इवन जो एम्प्लॉयज हैं दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग भाई अगर बीते साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो फिर तो हम लोग डिमांड रेस करेंगे कि भाई प्लीज आप हमारी नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा इनकी माली हालत खसता है ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई दे रही है राइट तो इंप्लाइज क्या कहेंगे भाई जितनी सैलरीज हमको मिल रही है दैट इज सफिशियंट ज्यादा ना चक्करबाजी में नहीं पड़ते हैं इवन जो इनके शेयर होल्डर्स है दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि जो हमने पैसा लगाया है कहा पैसा लगाया हमने तो टी लिमिटेड के अंदर पैसा लगाया है हमने तो उनके शेयर्स लिए हुए हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी पोजीशन बहुत अच्छी नजर आ रही है तो फिर ठीक है इसका मतलब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा वी कैन एक्सपेक्ट डिविडेंड हम डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैम एक बात बताओ आपने तो ये हमको जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे इलेवेंथ क्लास के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको कौन कौन लोग यूज करते हैं ये वाली बात बता दी बिल्कुल ठीक बात है अभी हम बेस वहीं से बना रहे हैं तो एक बात बताइए इन सारी की सारी पार्टीज को जो मिला करके बोलते हैं वो बोलते हैं स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स जो स्टेक होल्डर्स यानी जिनको इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है जिनका कुछ स्टेक पे लगाया हुआ है दोस हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कि भाई ये पर्टिकुलर एंटिटी कैसा परफॉर्म कर रही है राइट right. अभी मैंने आपके लिए कंपनी का एग्जाम्पल उठाया दैट इज स्टील लिमिटेड आप एक बात सोचकर चलिए पर ये जितने भी यूजर्स हैं, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर यूज कर रहे हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं कि हम क्या डिसीजन ये इनके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है राइट इन लोगों के दिमाग में कभी कभी एक डाउट आता है पता है डाउट किस बात का आता है देखो बैंकर को एक बात पता है कि टी लिमिटेड मेरे पास में लोन लेने के लिए आने वाली है। ठीक है सो so, बैंकर के दिमाग में एक डाउट आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है सोचो so, क्या आएगा बैंकर के दिमाग में डाउट कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपने financials में मैनिपुलेशन की हुई है क्या पता इन्होंने अपने रेवेन्यू ज्यादा दिखाए हुए हो क्या पता इन्होंने अपनी असेट्स को ज्यादा दिखाया हुआ हो जबकि असेट्स इतनी ज्यादा वैल्यू की नहीं हो उन्होंने अपने यहां पर असेट्स का या बिल्डिंग का ओवर वैल्यूएशन किया हो ताकि इनकी नेटवर्थ ज्यादा नजर आए राइट तो उनको क्या हो रहा है उनको डाउट हो रहा है कि शायद पता नहीं इनके इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने बनाया भाई पता नहीं मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं हमें चकमा देने के लिए तो नहीं बनाया है कहीं हमारा बुद्धू बनाने के लिए तो नहीं बनाया है इन्होंने हो सकता है इन्होंने अपने रेवेन्यू जरूरत से ज्यादा दिखाए हुए जबकि इतने रेवेन्यूज ना हो तो कहीं ना कहीं ये जो एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के दिमाग में एक डाउट होता है कि पता नहीं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं ये ऑथेंटिक जेन्युन है भी या नहीं है कहीं ये मिसलीडिंग तो नहीं है प्लीज आप मुझे सोच करके बताओ दिमाग में डाउट आएगा या नहीं आएगा अगर मान करके चलते हैं ये कंपनी है ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आ रही है अपने शेयर्स का पब्लिक इश्यू लेकर के आ रही है तो ये एंटिटी का जो मैनेजमेंट है ये एंटिटी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर से बेहतर दिखाना चाहेंगे तो जो यूजर्स हैं जो लोग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं उनके दिमाग में डाउट आएगा पता नहीं ये जैनुन है या नहीं है कहीं ये मिसलीडिंग तो नहीं है चलो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों ने कभी शार्क टैंक देखा है तो शार्क टैंक के अंदर क्या चीज होती है जो पर्सन आकर के और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं कई बार हो सकता है वो लोग ये कहें कि नहीं जी हमने तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया पर जो डील्स उनको मिलती हैं वहां पे शार्कस क्या कहते हैं वहां पर शार्कस ये बात बोलते हैं कि ठीक है आपने बात अपनी बता दी अभी हम आपके इन फाइनेंशियल्स का थोड़ा चेकिंग करके देखेंगे मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड आप जो बता रहे हो आप हो सकता है आप हमको बुद्धू बनाने के लिए चीजें बता रहे हो तो बिल्कुल यही वाला पर्टिकुलर लॉजिक है आप बताओ अब तक हमने क्या कनेक्शन बनाया कोई भी एंटिटी अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जारी करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेश आई हुई हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत सारे यूजर्स यूज use करते हैं उन सारे यूजर्स को मिला जुला करके और क्या बोला जाता है स्टेक होल्डर्स बोलते हैं राइट पर उन स्टेक होल्डर्स के दिमाग में डाउट है कि पता नहीं ये जो इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए दिखाई जा रही है ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है हो सकता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको मिसलीड करने के लिए बनाए हों राइट right, इतनी बात क्लियर हुई तो बताओ ये डाउट किसके दिमाग में आ रहा है मैम ये डाउट तो ना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दिमाग में आ रहा है वो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं मैनेजमेंट हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है तो सबको ये लगा या ये बात एक एक जनरल यू नो इंटरेस्ट में अभी तो हम कोई लॉ की बात भी नहीं कर रहे हैं कि कहा कंपल्सरी है कहा नहीं कि अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई व्यक्ति एग्जामिन कर दे कोई पर्सन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर दे और एग्जामिन इंडिपेंडेंट कोई पर्सन कर दे यानी कोई ऐसा पर्सन इसको एग्जामिन कर दे जिसका कोई हाथ नहीं हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मतलब अगर मान लो टी लिमिटेड के एक डायरेक्टर है जिनकी देखरेख में डायरेक्टर का नाम है डी राइट उनकी देखरेख में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं अगर वही उसको एग्जामिन करेंगे तो फिर वो तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे वो तो अनबाइस्ड नहीं हो पाएंगे राइट सो so बेसिकली कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आए और वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच पड़ताल कर दे तो भाई काम चल जाएगा इसका मतलब किसी भी एंटिटी के मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर यूजर्स को डाउट हो सकता है

अब आप एक बात बताओ ये चेकिंग कौन कर सकता है इंजीनियर भैया नहीं इंजीनियर साहब को अपने फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है अपने फील्ड के अंदर उनको नॉलेज है उनको अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं कैसे चेकिंग की जाती है ये तो नहीं पता है डॉक्टर भाई साहब नहीं डॉक्टर भाई साहब भी नहीं कर सकते उनको भी अपने फील्ड के अंदर नॉलेज है बट अकाउंटिंग की ऑडिटिंग की इन चीजों की नॉलेज नहीं है बट जब हम सीए कर रहे होते हैं हमको तो भाई अकाउंट्स भी पढ़ाए जाते हैं आप बताओ आपके यहाँ पर सिलेबस में अकाउंट्स हैं यस और आपके यहां पर तो इंटर में भी और फाइनल के अंदर भी ऑडिटिंग की बात भी आती है तो हिंदुस्तान में एक चार्टेड अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है जिसको अकाउंटिंग भी बहुत अच्छी आती है तो वो दूसरों के बनाए हुए अकाउंट्स को चेक कर सकता है राइट और क्योंकि उसने ऑडिटिंग पढ़ी है और जब वो ट्रेनिंग करता है आप लोग भी जाओगे ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए टू इयर्स का राइट तो तब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी उसके पास एक्सपीरियंस होता है और काम करते करते एक्सपीरियंस होता है तो उसको ऑडिटिंग भी अच्छी तरह से आती है और उसने कहा से सीए किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सीए किया हुआ है सो रिक्वायरमेंट इज ऐसे किसी व्यक्ति से अगर ऑडिट करा लिया जाए जो चार्टेड अकाउंटेंट है जिसको अकाउंटिंग भी आती है तो वो दूसरे के बनाए हुए अकाउंट्स को चेक कर सकता है और जिसको ऑडिटिंग भी आती है राइट right, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा सो so एक्चुअली तो अगर हम टाइम ऑर्डर में देख करके चलते हैं अभी हम डेफिनेशन पर आएंगे राइट right? तो टाइम ऑर्डर क्या है सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए होंगे किसी भी एंटिटी के मैनेजमेंट ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स तो कंपल्सरीली आएंगे आएंगे अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है तो वो भी आएगा सारे यूजर्स को मिला जुला के बोलेंगे स्टेक होल्डर्स राइट तो क्या यूजर मैनेजमेंट के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं नहीं उनको डाउट होगा कि शायद शायद जो यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ऑथेंटिक नहीं है शायद वो मिसलीडिंग हो सकते हैं उनके माइंड में डाउट आएगा सो देयर इज अ नीड कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं मैनेजमेंट ने इनको एग्जामिन करे और एग्जामिन कौन करे कोई इंडिपेंडेंट पर्सन ऐसा एग्जामिन करे जिसको भाई अकाउंटिंग भी आता हो अच्छी तरह से और जिसको ऑडिटिंग करना भी आता हो तो वैसा व्यक्ति हिंदुस्तान में कौन है आईसीएआई के अंतर्गत जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अब हमने एक नाम बनाया मान के चलते हैं एक सी ए सी ए अमन कुमार तो उन्होंने कहा सी ए अमन कुमार को हम अपॉइंट करते हैं वो आएंगे और वो हमारे बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब फॉर एग्जांपल अगर टी लिमिटेड है तो टी लिमिटेड ये कह रही है कि भाई टी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो आकर के और एग्जामिन करेंगे और फिर उसके बाद उसको एग्जामिन करने के बाद अपनी राय व्यक्त करेंगे राइट सो बेसिकली दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटिंग में क्या किया जा रहा है सो so, ऑडिटिंग में कैन वी मूव टू द डेफिनेशन इट सेल्फ राइट अभी तक का थोड़ा सा बेस तो आपको समझ में आया है चलो अब बेटा आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए थोड़े थोड़े ये शॉर्ट नोट्स हम लोग साथ साथ में बनाएंगे टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग विद ऑडिटिंग और ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है वो ये चार की से मिलकर के बनती है ठीक है ये चारों की हमको नोट डाउन करने हैं बट पहले इसको एक बार पहले थोड़ा सा समझ करके चलते हैं सी आई गिव यू सफिशियंट टाइम टू राइट डाउन अब अपने कॉपी के अंदर इसको लिखेंगे आप दो कलर के पेन और एक हाईलाइटर दैट सेट और कुछ नहीं चाहिए एक कॉपी दो कलर के पेन एक हाईलाइटर दैट सेट देखिए ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है सो so ऑडिटिंग में ऑडिटर क्या कर रहा है आप बताओ ऑडिटर क्या कर रहा है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहा है वो किसी चीज को चेक कर रहा है किस चीज को चेक कर रहा है फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को जो सूचनाएं किस में आई हुई होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई होंगी वो इंफॉर्मेशन जो किसने बनाई है जो एंटिटी के इंफॉर्मेशन है सो so एंटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है कंपनी भी हो सकता है कॉपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है ये बैंक भी हो सकते हैं ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते है प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, है और वो जो चार्टेड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कर रहा है वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको सही लग रहा है या नहीं लग रहा सो प्लीज 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 आराम से ठीक है सो व्हाट इज ऑडिटिंग मैंने चारों के चारों कीवर्ड्स को मिलाया और चारों कीवर्ड्स को मिलाकर के मेरे पास ऑडिटिंग की डेफिनेशन तैयार होगी पहले मैं आपको स्मॉल डेफिनेशन बता रही हूं ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी राइट वेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमारे पास में हम यही वाली तो बच्चे डेफिनेशन को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट right? आपके पास कॉन्सेप्ट बुक के अंदर चैप्टर वन टॉपिक नंबर वन पॉइंट टू मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग का जो ये फर्स्ट दिया हुआ है आप लोगों को ऑडिटिंग का डेफिनेशन दैट्स इट एक बार इसको प्लीज मेरे कहने से हम यहां से पढ़ते हैं सो ऑडिटिंग क्या है एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम क्या करने जा रहे हैं हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं पहले इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे इसकी हर बात को समझेंगे किस चीज का एग्जामिनेशन करने जा रहे हो आप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन किसकी है किसने बनाई है ऑफ एनी एंटिटी हमारे एग्जाम्पल में एंटिटी कौन थी हमारे एग्जाम्पल में एंटिटी थी टायर वाला लिमिटेड राइट टी लिमिटेड अब देखो बहुत सिंपल सी बात है यहां पे उसने एंटिटी को एक्सप्लेन किया है वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट ये प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है यानी कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है ये नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है आप लोग कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ते हैं अंडर सेक्शन एट कंपनीज जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होती हैं, इवन आपने शायद नाम तो सुना ही होगा एनजीओ ठीक है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इनका भी ऑडिट होता है क्या इनका ऑडिट भी कराना जरूरी होता है हाँ, अभी बात करेंगे किसका ऑडिट कराना जरूरी है किसका ऑडिट कराना जरूरी नहीं है बट एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती वो एंटिटी स्मॉल साइज की भी हो सकती है और बिग साइज की भी हो सकती है उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकती है वो कंपनी भी हो सकती है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी हो सकती है जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो कोई ट्रस्ट भी हो सकता है अभी इसको एक्सप्लेन करके चलते हैं तो बेसिकली ये जो एंटिटी वर्ड है एंटिटी के आगे उसने क्या किया एंटिटी को एक्सप्लेन कर दिया बस कि ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इेस्पेक्टिव ऑफ चाहे कुछ भी रहा हो क्या चीज कुछ भी रही हो चाहे इसका साइज कुछ भी हो चाहे इसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो राइट वेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड तो तो ये तो उसी चीज को बढ़ाने की बात हो गई कि भाई जब ऑडिट किया गया क्यों ऑडिट किया गया टू एक्सप्रेस ओपिनियन दे आर ऑन जबकि वो ऑडिटर राय व्यक्त कर रहे ओपिनियन व्यक्त कर रहे हैं दे आर ऑन किस पर किस पर तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर जिसको उसने चेक किया है तो बेसिकली अब इसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए या पढ़ने के लिए पहले इसको ना थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है

इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ वॉट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वॉट वो किसने बनाई है ऑफ एनी एंटिटी एंटिटी के आगे एंटिटी को डिस्क्राइब कर दीजिए वेदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर नॉट ए रेस्पेक्टिव ऑफ ए साइज और लीगल फॉर्म उसकी लीगालिटी कुछ भी हो सकती है कंपनी पार्टनरशिप देर दैट कुछ भी हो सकता है ियन देखिनियन व्यक्त की गई तो अगर मेरे को ये चार की आते हैं, so I just hope कि आप लोग चारों के चारों की वर्ड को मिलाकर के डेफिनेशन तो बहुत आराम से बना सकते हैं अब इसको एनालाइज करेंगे वन बाय वन सो जस्ट डू वन थिंग पहले एक बार हम ये डेफिनेशन लिख करके चल रहे हैं ऑडिटिंग के डेफिनेशन के चार की वर्ड अपने पास कॉपी में तो सबसे पहले ऑडिटिंग फर्स्ट कीवर्ड इज इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑडिटिंग इज ऑडिट को करना राइट ऑफ व्हाट ऑफ फाइनेंशियल इन्फरमेशन ऑफ एनी एंटिटी एंटिटी तक केवल टू एक्सप्रेस ओपिनियन दे आर ऑन चार की वर्ड्स मिला करके बनेगा राइट right? चार कीवर्ड्स ठीक है तो सबसे पहले हमने अपने नोट्स के अंदर ये चारों कीवर्ड्स लिख लिए ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे आर ऑन एंटिटी के आगे एंटिटी को एक्सप्लेन कर देंगे राइट एंड ओपिनियन से पहले क्या है ये जब एग्जामिनेशन किया गया क्या करने के लिए ओपिनियन के लिए अब एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करके चलते हैं चलो लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन आप मुझे बताओ वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं मैं आपसे कुछ बातें पूछने जा रहा हूं ठीक है चलो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है अगर मान लो एक टी लिमिटेड है ठीक है जी अब ये जो टी लिमिटेड है इसके मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है मेरा क्वेश्चन नंबर वन आप बताओ क्या ये मैनेजमेंट अपने आप से एट इट्स ओन अपने आप उस मैनेजमेंट के अंदर यानी कि जो लोग इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं जो इनके डायरेक्टर्स हैं जो इनके हायर लेवल इंप्लॉइज हैं आप ये मान करके चलते हैं जो बना रहे हैं खुद से इनके मैनेजमेंट के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है अगर ये कंपनी है तो कंपनी का एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना भी रहे हैं आप बताओ ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है डी राइट right? ये मिस्टर डी डायरेक्टर ये खुद ही बोलते हैं कि भाई मैंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं और मैं ही ये काम करता हूं मैं इनको एग्जामिन कर देता हूं ठीक है और एग्जामिन करके मैं इस पर ओपिनियन व्यक्त कर देता हूं कि सही है या नहीं है आप बताओ अगर मैनेजमेंट अपने आप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा उसको चेक करेगा तो क्या वो इंडिपेंडेंट रह सकता है क्या वो अनबायस्ड रह सकता है नहीं मैम बिल्कुल नहीं रह सकता ये तो ऐसी बात हुई कि आप ही ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर आपने खुद ही उस क्वेश्चन को चेक कर लिया तो खुद तो भाई एक बात बताओ आप अगर वो क्वेश्चन फोर मार्क्स का है तो फोर में से फोर ही मार्क्स खुद को अवॉर्ड करोगे ना ये तो नहीं कहोगे ना कि इसमें कुछ गड़बड़ है राइट right. तो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया अगर वो खुद से एग्जामिनेशन करता है तो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कभी अनबायस्ड नहीं हो सकता वो बायस्ड हो जाएगा सो so, पहला उसूल इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या है क्यों इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कि जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है वो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन नहीं करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कोई और करेगा और एग्जामिन कोई और करेगा तो अकाउंटिंग का काम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का काम एंटिटी या जो क्लाइंट है अभी हम इसको क्लाइंट बोल देते हैं कि हम जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो अगर मैनेजमेंट ने इसको बनाया है क्लाइंट ने इसको बनाया है तो एग्जामिन कोई और करेगा कोई और पर्सन करेगा जिसको हम बोलेंगे एग्जामिन करेगा भाई कौन ऑडिटर और ऑडिटर भैया का अभी हमने एक नाम रखा था ऑडिटर है मान लेते हैं चार्टेड अकाउंटेंट अमन कुमार ठीक है सो so, अमन कुमार इसका ऑडिट करेंगे अब लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन बताओ ये जो ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है क्या इसको थोड़ा मोड़ा भी इस क्लाइंट का अकाउंटिंग का काम करना चाहिए मैम आप थोड़ा मोड़ा क्यों बोल रहे हो चलो ये जो क्लाइंट है टी लिमिटेड टी लिमिटेड ने बोला ऑडिटर को कि ऑडिटर साहब आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आपको तो ऑडिट भी आता है आपको तो अकाउंटिंग भी आता है आप एक काम करो आप मेरे लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर दो कि भाई मेरे यहां पे डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलर असेट के ऊपर ये जो बिल्डिंग्स है इसके ऊपर मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है आप जो कैलकुलेशन करोगे आप मुझे बता दो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है बाद में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ही चेक कर लेना नहीं। ऑडिटर बिल्कुल उनके अकाउंटिंग में इतना सा भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा आप बताओ जी क्यों नहीं करेगा अगर ऑडिटर ने अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के प्रोसेस में जरा सा भी योगदान दिया तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा तो ये दोनों काम अलग अलग है अकाउंटिंग अलग लोग करेंगे ऑडिटिंग अलग पर्सन करेंगे अकाउंटिंग क्लाइंट का मैनेजमेंट करेगा ऑडिट कोई इंडिपेंडेंट पार्टी करेगी कोई इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा कोई बाहर वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा जिसका क्लाइंट एंटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मैम वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट चलो लेट मी आस्क यू इन क्वेश्चन आप बताओ अगर ये सी ए और सी अमन कुमार है सीए अमन कुमार टी लिमिटेड जो है टी लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हैं, उनके उनके बेटे सन सोच करके चलते रिलेट कर लेंगे जस्ट बेसिक बात कर रहे हैं आप बताओ टी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राइट उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे सीए बन जाते हैं अब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कहते हैं अरे वाह मैनेजिंग डायरेक्टर भी और इन्हीं के पास में मेजर इनके शेयर्स भी है मान के चलते टी लिमिटेड के वो कहता है अरे वाह बेटा तुम तो सी बन गए अहो भाग हमारे राइट आप एक बात बताओ बेटा मेरी कंपनी का ऑडिट आप कर दोगे अमन कुमार ने कहा हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा अब अमन कुमार साहब गए यहाँ पर ऑडिट करने के लिए जब वो एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा अरे बाबा ये तो इस पर्टिकुलर एंटिटी में ये जो पापा की कंपनी है इसके अंदर तो बहुत सारी फेक ट्रांजैक्शंस है बहुत सारे झूठे रिवेन्यूज बुक किए तो अच्छा गए आज तुम सीए बन गए तो तुम बोल रहे हो कि मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है और तुम लिख दोगे कि मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है भूल गए वो दिन सीए तो तुम बाद में बने हो पहले तुमको साइकिल चलाना किसने सिखाया था तुमको उंगली पकड़कर चलना किसने सिखाया था अब, अब सोच के बताओ अमन कुमार जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गया रिलेशनशिप ऐसी है कि अमन कुमार बायस उस क्लाइंट से इंफ्लुएंस्ड हो जाएंगे आप बताइए हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे यस तो क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर पाएंगे नहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं रह पाएंगे कई बार आता ना अरे बताओ भाई अगर पेरेंट्स ने इतना सारा आपका साथ निभाया है तो चलो क्या ही जा रहा है हम उनकी जो एंटिटी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है फिर भी जो है ये बात बोल देते हैं कि चलो जी सब कुछ ठीक ठाक है नहीं 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 तो आप बताओ इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी सो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कब हो रही है जब आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के रिलेटिव है अभी तो मैंने सिर्फ रिलेटिव वाली बात बोली है हो सकती है ना इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ यस मैम हो सकती है अच्छा चलो ऐसे अगर मान लो ये है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिटेड के है जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं जिस कंपनी से सैलरी कमा रहे हैं जो पर्टिकुलर कंपनी पर आश्रित है उस पर निर्भर है अपना पैसा कमाने के लिए अगर ये उसी पर्टिकुलर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे तो क्या ये कभी भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रह रह पाएंगे पाएंगे नहीं नहीं ये तो नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब जो अकाउंटेंट ऑडिट करने जा रहा है आप डिराइव कर रहे हो एक को वो चार्टेड अकाउंटेंट क्या उस क्लाइंट का रिश्तेदार होना चाहिए नो 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 क्या वो उस क्लाइंट का इंप्लॉय होना चाहिए नो 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 क्या वो उस पर्टिकुलर क्लाइंट की इच्छा के अधीन काम करना चाहिए नोट वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि उसका उस क्लाइंट से कोई वास्ता नहीं है किसी भी तरह का इसका मतलब क्या हुआ जब हमने बच्चे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की बात की देखिए अभी तक आपने कॉपी के अंदर इतनी बात नोट डाउन की थी अब हम आए अपने फर्स्ट वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे विच सेज दैट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कॉपी बाद में करना आई विल गिव यू सफिशियंट टाइम देखो ये है की वर्ड्स अगर ये की आपको याद रहते हैं लास्ट तक क्योंकि अभी हम इसको किताब से पढ़ने जा रहे हैं और उसके अंदर भी हाईलाइट करने जा रहे हैं बट अगर ये की आपने अपने हाथ से बना करके एक बार लिख लिए कहीं पर तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और इसका मतलब भी समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बताओ कोई भी एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट कब होगा इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब आप बिल्कुल अपनी ऑब्जेक्टिव आप कोई सब्जेक्टिव नहीं हो आप किसी की तरफ बाइस्ड नहीं हो आप ऑब्जेक्टिव हो आप अनबायस्ड हो unbiased का मतलब आप किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हो आप नॉट सबॉर्डिनेट आप किसी के इच्छा के अधीन नहीं हो ना तो आप किसी के सबॉर्डिनेट हो ना आप किसी से क्या हो रहे हो बेटा नॉट इंफ्लुएंस्ड आप किसी से इंफ्लुएंस्ड भी नहीं हो रहे हो तो आप बताइए अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अमन कुमार है अगर मान लो बच्चे अमन कुमार अपने फादर की किसी एंटिटी को ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो, तो वो इन्फ्लुएंसड हो जाएंगे फिर तो वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं रहेगा राइट तो पहली बात क्या है एन एग्जामिनेशन 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 इज टू बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तब होगा जब जो व्यक्ति ऑडिट करने के लिए जा रहा है दैट मीन जो ऑडिटर ऑडिट audit करने के लिए जा रहा है वो ऑडिटर इस कैपेसिटी में या इस पोजिशन में हो कि वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कर पाए उसका एग्जामिनेशन अनबास्ड हो किसी को फेवर नहीं करे देखो कितने सारे synonyms आ गए कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आ गए तो वो किसी के सबोर्डिनेट नहीं है वो किसी से इंफ्लुएंस नहीं हो रहा है अब जो जो है 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 इसका जो base है, वो कहता कि दो तरह की कंडीशन है पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट द एंटिटी आप सबसे पहले मेरे को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बताओ मस्ट है मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी का मतलब क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका तुम चेकिंग करने जा रहे हो अमन कुमार क्या वो फाइनेंशियल no. तो काम, करना, करना, का काम है और उसको ऑडिट audit करना ऑडिटर का काम है ये हमारे दोनों की यू नो सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कौन बना रहा है बना रहा है मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा है ऑडिटर ये दोनों की पृथक पृथक काम है ऑडिटर जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेकिंग करने जा रहा है वो ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी नहीं बनाएगा कभी नहीं बनाएगा ये बात तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो जब हम टेक्निकल टॉपिक्स की तरफ जाएंगे तो मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपसे पूछूंगी तो पहली बात इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की फर्स्ट कंडीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा कोई और और उसको एग्जामिन कोई और करेगा जो ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहा है वो अकाउंटिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो अकाउंटिंग का जरा सा भी काम नहीं करेगा आई होप दैट इज ओके अब दूसरी बात क्या ऑडिटर का देखो मैंने इसको पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है क्या ऑडिटर का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए क्लाइंट में नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अगर मान लो से फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर है और ऑडिटर ने मान के चलते हैं अमन कुमार है अमन कुमार ऑडिट करने के लिए डीएलएफ का डीएलएफ नाम तो सुना ही होगा बहुत बड़े बिल्डर हैं और अमन कुमार ने जो पर्टिकुलर एक मान लेते हैं डीएलएफ की ही बिल्डिंग के अंदर अपना ऑफिस खोला हुआ है और डीएलएफ वाले मंथली रेंट पांच लाख रुपए का है डीएलएफ वाले उससे रेंट भी नहीं ले रहे हैं है, है, और अमन कुमार ने अपना ऑफिस उस डीएलएफ की बिल्डिंग के अंदर खोला हुआ है अब आप सोच करके चलो अमन का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया हे hey भगवान अगर डीएलएफ के मैनेजमेंट को मैंने नाराज किया सोचो राइट तो मेरे हाथ से ये जो मुझे ऑफिस फ्री में मिला हुआ है ये निकल जाएगा राइट तो मैं क्या करता हूं उन वो अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे वो बायस हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल इंटरेस्ट में जो उनका उस क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके आगे अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे चलो चलो है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़े बहुत सारी फिर भी लिख देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है क्या ही चला जाएगा तो नहीं क्या ऐसा करना है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना है ऑडिटर का किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट क्लाइंट एंटिटी में नहीं होना चाहिए ना प्लीज टेल मी सिर्फ इतनी सी बात आपको समझ में आती है ग्रेट नाउ अभी कॉपी करेंगे रुक जाइए पहले समझिए नाउ जो ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है अब बताओ जी बना कैसे रहा है ये जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है वो एप्लीकेबल एएस या इंडेस या लॉ या जो जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर लग रही है उसके हिसाब से बना रहा है मैम एप्लीकेबल क्यों लिखा देखो बच्चे हिंदुस्तान के अंदर सारी की सारी एंटिटीज के ऊपर तो इंडेस नहीं लगते हैं हां अगर ये लिस्टेड एंटिटी होती इंफोसिस है रिलायंस है टीसीएस है राइट ठीक है

एक पर्सन अपनी एक फर्नीचर की शॉप उसने खोली हुई है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो अपने सेफर एग्जाम्पल मान के चलते हैं प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं राइट right? तो उनके लिए अप्लीकेबल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिकॉज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी एंटिटीज के ऊपर लगते हैं अब आप एक बात सोचो लॉ क्यों लिखा होगा मैम ने देखो बच्चे अगर ये कंपनी है तो कंपनी के ऊपर लगेगा कंपनीज एक्ट उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट के अंदर हल्का सा मैं आपको बता देते हूं, धीरे धीरे हम इसको आगे चल करके टेक्निकली इसको एनालाइज करेंगे वहां पे तो और अच्छे से क्लियर होगा बट कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन आता है 128 जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखनी है तो कहता है भाई अगर तुम कंपनी हो तो तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रूवल बेसिस पे मेंटेन करोगे राइट तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखनी है इसकी बात बता दी कि भाई अप्रूवल बेसिस चलेगा कैश बेसिस नहीं चलेगा फॉर एग्जाम्पल एक आता है सेक्शन 129 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर बनाना है तो किसी को ध्यान है कोई एक शेड्यूल होता है शेड्यूल के हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं तो सेक्शन 129 ट्वेंटी नाइन कंपनी कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप बनाओगे तो शेड्यूल हाँ कौन सा कौन सा ठीक बोल रहे हो शेड्यूल थ्री के हिसाब से बनाओगे राइट right? तो आप एक बात बताओ ये जो मैनेजमेंट ने बनाए अगर ये कंपनी अगर तो ये टी लिमिटेड है अगर तो ये टायर वाला लिमिटेड है तो तो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं जो इन एप्लीकेबल है एप्लीकेबल है तो इनडीएस के हिसाब से ए एस एप्लीकेबल है तो ए एस के हिसाब से और अपने ऊपर लगने वाले लॉ के हिसाब से राइट right? और अगर जो ये बैंक है मान लो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं से फॉर एग्जांपल मान के चलते पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी ने बनाए हुए हैं तो उनके ऊपर लगने वाला जो लॉ है राइट वो लॉ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स बनाए होंगे अगर जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके ऊपर लगा होगा सोसाइटीज एक्ट देखो मैं जान जान करके फर्स्ट क्लास में आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले रही हूं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर बैंक ऑडिट भी है राइट right? तुम्हारे सिलेबस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट भी है तो आगे चल के बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगा ये सब कुछ तो आप बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर क्या लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक्ट वहां पे वो लोग कंपनीज से गवर्न होंगे नहीं मैम कंपनीज एक्ट से क्यों गवर्न होंगे उनका तो लीगल फॉर्म ही ऐसा है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने किसमें दिया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिया हुआ होगा तो आप बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट्स राइट right? अगर उनके ऊपर जो लगते हैं वो उनके ऊपर लगने वाले लॉ में दिए हैं जैसे कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर दी हुई हैं और हो सकता है किसी के लिए अगर मान लो कोई पर्सन अपनी प्रोप्राइटरशिप में कर रहा है काम कर रहा है प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस चला रहा है तो उसको तो सिर्फ ए एस ही लगेंगे प्रोप्राइटरशिप के लिए एज सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट किसी लॉ में नहीं दी हुई है तो जो लॉ लग रहा है उस लॉ के हिसाब से और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको फॉलो करने हैं मतलब अगर ए एस फॉलो करने तो ए एस के हिसाब से इंडिया फॉलो करने तो उसके हिसाब से बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है

ऑडिटर ना तो क्लाइंट का रिलेटिव होएगा और ना ही ऑडिटर क्लाइंट का इम्प्लॉय होएगा एक मैंने आपको वो वाला एग्जांपल भी बता दिया कि भाई डीएलएफ वहां पर जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो लोग रेंटल्स भी नहीं ले रहे ऑडिटर से तो वो उस डीएलएफ का ऑडिट नहीं करेगा जहां से वो बेनिफिट उठा रहा है राइट right? अब आप सोचो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो ना वो रिलेटिव होगा ना वो इंप्लॉय होगा इसके लिए रिक्वायरमेंट हमें कंपनीज एक्ट में भी दी हुई है और बच्चे जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, लगते हैं the Chartered Accountants Act 1949 से. ठीक है तो हमें वो रिक्वायरमेंट चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में भी दी हुई है देखिए अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा लॉ कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ा है अभी तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कंपनी दो हजार 2013 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आता है जब हम डिसक्वालिफिकेशन वहां पे कॉन्सेप्ट आता है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 141 की बात करते हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट्स बनी होती है वो रिक्वायरमेंट्स इसलिए बनी है ताकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होए। वहां पे क्लियर कट लिखा है कि भाई कंपनी के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी ऑडिट नहीं करेंगे कंपनी के इन पर्सन के अगर आप रिलेटिव हैं तो भी ऑडिट नहीं करेंगे अगर आपने जिस कंपनी से लोन लिया हुआ है इतने अमाउंट से ज्यादा का तो भी ऑडिट नहीं करेंगे फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया आपका और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पढ़ते हो आप जब सी फाइनल में पहुंचोगे टचवर्ड तो सीए फाइनल में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी पढ़ाया जाता है तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि भाई इस का आप ऑडिट नहीं करोगे इसका नहीं करोगे क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है वो सो so बेसिकली अब तक की सारी बात का रिलेशन देखो अगर ये चीज आपको याद आ गई या जो चीज ये हम बना रहे अगर ये आपको समझ में आ गया करके तो वही कॉन्सेप्ट बुक से ही जाना है उसको अभी मैं बुक्स पर आ भी रही हूं क्योंकि हम रीडिंग तो वहीं से करेंगे वहीं पे हाईलाइटिंग करेंगे पर अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस गया तो कैसा भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ थोड़ा मोड़ा घूमी फिरी बात पूछ ले कुछ कोई एमसीक्यू बना ले आपसे सारी चीजें हो जाएंगी सो so, प्लीज बताओ फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑडिट क्या है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के मायने क्या है क्या ऑडिटर

एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा जिसका क्लाइंट के मैनेजमेंट से कोई रत्ती भर भी वास्ता नहीं है राइट सो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो किसके हिसाब से बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलते हैं या अगर उनके ऊपर एप्लीकेबल है हर एंटिटी के पर अलग चीज एप्लीकेबल है।, है, तो है, तो है तो उसके हिसाब से बनाएंगे अगर वो बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके हिसाब से बनाएंगे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग साइ बातों बातों में करते जा रहे हैं एक्चुअली अभी पता चलेगा थोड़ी सी देर में क्लास में अब

जब हमारा ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा दिस इज पॉइंट नंबर वन देन वी वुड गो टू पॉइंट नंबर टू डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट देन वी वुड गो टू पॉइंट नंबर थ्री फोर एंड सो ऑन चलिए सो आई एम साइलेंट फॉर फोर टू बैक्स कुछ स्टूडेंट्स तो बोल रहे होंगे कि माँ हमने तो जब आप बोल रहे थे तभी भी कुछ-कुछ चीजें बना ली थी भाई तब मत बनाया करो क्योंकि अभी तो बेस क्लास है अभी तो इट वुड बी लाइक like वेरी इजी थोड़ा-थोड़ा आगे-आगे चलते-चलते जब थोड़े टॉपिक्स आएंगे और ये बड़ा लॉजिकल सा है बट ठीक है तब थोड़ा सा नोटिंग के लिए अलग से टाइम रखेंगे समझने के लिए अलग से ठीक है सो जस्ट वन कॉपी आई वुड बी नीडिंग दैट्स इट आप रजिस्टर टाइप का एक बना सकते हो जिसमें हम मेन मेन चीजें जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम उनके की या उनकी कुछ समरीज बना लिया करेंगे सो अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आया सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के अंदर हमारे कीवर्ड्स हो गए ऑब्जेक्टिव अनबाइज नॉट सबऑर्डिनेट नॉट इन्फ्लुएंस मैम आप बोल चुके हो ये बात कोई बात नहीं आई एम गोइंग टू रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम्स मैं इसको कई बार रिपीट करूंगी तभी तो दिमाग में बैठेगा अदरवाइज कैसे एग्जाम में याद आएगा चलिए सो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दो रिक्वायरमेंट्स मेन रिक्वायरमेंट्स बनाएगा कोई और और ऑडिट कोई और करेगा जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है दैट इज ऑडिटर उसका क्लाइंट एंटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्साम्पल वो क्लाइंट का रिलेटिव नहीं होना चाहिए क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट्स हमको लॉज में भी मिलते हैं हमको चार्टड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी मिलती है फॉर एग्जाम्पल हमको कंपनीज एक्ट में भी मिलती है सो आई होप इतना मैटर यू मस्ट हैव है

अब आप बताओ देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल सूचनाएं देखो बच्चे वो फाइनेंशियल सूचनाएं किसके अंदर दी हुई हैं अगर मान लो अभी तो मैंने सिंपल सा एक टी फॉर्म में बना लिया कि अगर मान लो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड लाया पी एंड अकाउंट बनाया हुआ है तो उसके अंदर इधर सेल्स आई हुई है वो भी एक वित्तीय सूचना है मैम हिंदी हो गया वित्तीय इज यू नो फाइनेंशियल राइट की जो फाइनेंशियल मतलब यू नो अमाउंट रुपए पैसे की बात ऐसी जो कुछ पैसों की बात है कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताती है इन्फॉर्मेशन इज सूचना एक पर्टिकुलर आइटम एक पर्टिकुलर अमाउंट फॉर एग्जांपल तो सेल्स हो गया इन्वेंट्री कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल सूचना है जब सारी फाइनेंशियल सूचनाओं को मिला देते हैं सेल्स परचेजेस, सब कुछ मिला दिया इन्वेंट्रीज फ्रेड इनवर्ड्स हैं जो जो भी चीजें हैं प्लस इसके साथ में डिप्रिसिएशन ये वो सारी चीजें असेट्स लाइबिलिटीज भी तो एक होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाता है So, सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मिलाने से क्या बनता है एक होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है आपने अभी पढ़ा था बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिस्से क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है बाकी सब तो सबको याद आ जाता है एक बार हमेशा याद रखना नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अभिन्न हिस्सा है

अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अगर उसने कैश फ्लो बनाया है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को भी ऑडिट करेंगे हम उसको भी चेक करेंगे और नोट्स टू अकाउंट्स तो कंपल्सरीली हर एंटिटी को बनाना पड़ता है और आप बताइए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीते साल की या बीते जमाने की इंफॉर्मेशन बताती है या आने वाले टाइम की मैम ये भी कोई पूछने की बात है ये हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल का मतलब बीते जमाने का जो जा चुका है जिस चीज में जो चीज हो चुकी है सेल्स जो हो चुकी है परचेज हो चुकी हैं बिल्डिंग जितने की है सो so बेसिकली ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है नाउ जस्ट नोट डाउन द सेकेंड नंबर का पॉइंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम किसको चेक करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां पे व्यक्त की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस किस चीज को चेक करते हैं हम ऑल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं इंक्लूडिंग नोट्स टू अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है है वो हिस्टोरिकल या फ्यूचरिस्टिक है तो वो हिस्टोरिकल है जो चीजें हो चुकी है तभी तो उनके सबूत मिलेंगे कि हाँ भाई ये चीजें सच में हुई थी या नहीं हुई थी अगर सेल्स लिखी है पांच करोड़ तो सच में हुई थी या नहीं सो जस्ट नोटेड डाउन पॉइंट नंबर टू चलिए अब बताइए ये जो चार कीवर्ड्स थे चार में से दो तो बिल्कुल क्लियर है नाउ वी कम टू द थर्ड कीवर्ड एंड प्लीज ट्रस्ट मी थर्ड वाले कीवर्ड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बिकॉज थर्ड वाले कीवर्ड में जो अपने डेफिनेशन के अंदर आगे लिखना है ना उसी के वो तीन पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनी एंटिटी का है नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ एनी एंटिटी ये बताओ आप मुझे मैम एनी एंटिटी तो कुछ भी हो सकती है वो कंपनी भी हो सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप भी मैम एक बात बताओ एक सवाल आया हमारे दिमाग में क्या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी ऑडिट होता है अभी आएंगे इस टॉपिक के ऊपर बाद में अभी हम ऑडिट पढ़ रहे हैं सिर्फ ऑडिट का मतलब सीख रहे हैं कि ऑडिट में क्या करते है, कैसे करते हैं

मैनेजमेंट ही गड़बड़ कर जाता होगा सो so, कहीं ना कहीं वहां पर जितनी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से दिखाई है या नहीं कोई पर्टिकुलर डोनेशन वगैरह आए थे पर उनको अकाउंट फॉर नहीं किया ऐसा तो नहीं है इस तरह की रिक्वायरमेंट होती होगी ना तो दैट इज वाई ऑडिटिंग तो उनका भी होता है इवन जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं या इस तरह की चीजें भी हैं उनको गवर्नमेंट से एट टाइम ग्रांट मिलती है

ठीक है फर्नीचर वाला एंड करके एक अपनी के अंदर अपना बिजनेस कर की डेफिनेशन लिखने बैठते हो ना तो आप क्या लिखते हो ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिमाग में कंपनी कंपनी चल रहा होता है तो एनी एंटिटी की जगह लिखाते हो of any, of नहीं, खाली कंपनी का नहीं कंपनी का भी हो सकता है एच का भी हो सकता है एल का भी हो सकता है सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म्स का भी हो सकता है सोल प्र का भी हो सकता है सिर्फ फर्क कितना है कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज का तो ऑडिट कराना लॉ ने कंपल्सरी किया है जस्ट लाइक कंपनी और कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज का ऑडिट वॉल्ट्रीली कराया जाता है अपने आप अप लोग करा लेते हैं क्योंकि ऑडिट कराने के फायदे होते हैं ठीक है सब कुछ का तो लॉ के अंदर हो, होता है ऑडिट मतलब लॉ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली होता है और कुछ का ऑडिट अपने आप से यू you नो know, करा लिया जाता है कि भाई ऑडिट के फायदे तो चलो लगे ऑडिट करा लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सो so, आप बताओ एंटिटी एंटिटी के तीनों चीजें आ गई तीनों का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आपके पास में एंटिटी का एक्सप्लेनेशन मजे में बन जाएगा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कैन यू जस्ट नोट इट डाउन ऑल्सो मैं और वैसे साइलेंट और एक आपके पास में यू नो फायदा है आपका अगर कोई एक आध वर्ड रह भी जाता है लिखने से तो आप स्क्रीन को रोक करके और तब भी लिख सकते हैं मैम अगर मैंने पहले ही लिख लिया तो क्या मैं क्लास आगे निकाल सकता हूँ mm, कर तो सकते हो बट बेटर है इसी स्वीट से करते चलो चलो खैर सो एंटिटी आई एम जस्ट कीपिंग मैम फॉर वन मिनट यू कैन राइट नाउ जी डन अब हम आए अपने लास्ट कीवर्ड पे जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना है बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से आप एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने जा रहे हो ऑडिट के अंदर ताकि आप क्या व्यक्त कर सको आप उसके ऊपर ओपिनियन दे सको किस पर ओपिनियन दे सको उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप ओपिनियन दे सके सो so, जब हम ओपिनियन करते हैं एंड प्लीज ट्रस्ट मी ये जो ओपिनियन वाला है इवन अगर आपके पास ओपिनियन के ऊपर कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया वो अलग से आपके पास फोर मार्क्स का आता है ओपिनियन ओपिनियन किस चीज पर है क्या क्या को चेक किया जाता है सो so ओपिनियन को बहुत ध्यान से समझना मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करते रहूंगी आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है अभी तो मेरे सिर्फ ओपिनियन में ये दो बातें लिख दी आप एक काम करो अभी आप लिखने बैठे हो सिर्फ इतना सा लिखो और इसको यहीं पर रुक जाओ एंड देन उसके बाद लिखने का काम आपका अभी के लिए खत्म ठीक है ओपिनियन so ओपिनियन किस चीज पर दे रहा है वो सो so वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है मिसलीडिंग तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है इस बात के ऊपर तो कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है इस बात के ऊपर वो अपना ओपिनियन व्यक्त करता है अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बहुत बेस से समझेंगे हम दस एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बना करके और इसको समझने चल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कह सकते हो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किस में आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई है राइट right? कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं मिसलीडिंग तो नहीं है ना no. लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन जितने मैं आपको ये केस करा रहे हो आप इसमें से किसी भी केस को नोट आउट नहीं करेंगे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है जस्ट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन आपको अब ये बातें सोचनी है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप लिखते चले मतलब लिखना नहीं है आप बताते चले जाओगे आपका काम हो जाएगा आपको बात समझ में आ जाएगी चलो मैंने आपसे पूछा केस वन हम जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप मान लो वही सी ए अमन कुमार अमन कुमार एक क्लाइंट क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाता है 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 टी लिमिटेड कोई भी हो सकता है, वो एनी एंटिटी हो सकती है अब उस पर्टिकुलर एंटिटी में गए एक एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल केस उठा रहे हैं उस एंटिटी ने अपना जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया हुआ है वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लेस पे किया हुआ है आप मुझे बताओ हिंदुस्तान में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए क्लाइंट ने उसका पालन किया है या नहीं मैम बहुत हिंदी हो गया अच्छा ठीक है वेदर क्लाइंट हैज कंप्लाइड विदिंग प्रिंसिपल दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल इन इंडिया हां अंग्रेजी लिखनी है ना अंग्रेजी किताब में भी दी हुई है बताओ क्या क्लाइंट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हिंदुस्तान में लगता है, कि less, या जो उसके पर है उसको फॉलो किया है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्चे लग रहे हैं नहीं सही प्रकार से बनाए गए लग रहे हैं नहीं सिर्फ एक एग्जाम्पल सिर्फ केस नंबर वन की बात करो और कुछ मत देखो अभी तो आप क्या बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं मैं तो कह रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही लग रहा है या नहीं अभी सही लग रहा है या बोल दो तो केवल एक केस आप बताइए क्या क्लाइंट ने अपने ऊपर लगने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है ये yes, मैम तो जब आपने चेक कर लिया ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम इस पॉइंट की वजह से आप क्या कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है मैम पक्का पक्का ग्रेट चलो जी नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं आप हम एक क्लाइंट के यहां पे ऑडिट करने के लिए गए उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने क्या किया है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया है और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी एवर इज हाई पे किया है आप बताओ उसने अपने ऊपर लगने वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया है उसको तोड़ा है यू you नो know, उसका नॉन कंप्लायंस किया है माम नॉन कंप्लायंस किया है कीवर्ड ध्यान आ, कीवर्ड समझ में आ रहे हैं आप वही कीवर्ड आपको किताब में मिलने वाले हैं ठीक है तो आप बताइए मुझे अगर इन्वेंट्री रिमेनिंग सेम हम सिर्फ सेकेंड नंबर के केस की बात कर रहे हैं अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट एनआरवी इज हाई पे हुआ है तो उन्होंने अकाउंटिंग सही प्रकार से किया है या गलत तरह से किया मैम गलत तरह से किया है तो हम क्या कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है नहीं नहीं मैम नहीं है नहीं है अब इसको लिखेंगे कैसे ये हमारा सेकेंड मतलब ये हमारा आगे की क्लास का काम है ये हमारा आगे का स्टेप है मैं तो सिर्फ एक बेसिक बात आपसे पूछ रहा हूं नहीं माम फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है ये तो नहीं लगता ना कॉस्ट एंड नार्वे विच वे हार पे थोड़े ना करते हैं कोई राइट चलो अब बच्चे मैंने आपसे एक बात पूछी हम एक क्लाइंट के ऑडिट करने के लिए गए केस नंबर थर्ड उन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पहले वो लोग करते थे फीफो के हिसाब से लास्ट ईयर तक इस साल उन्होंने उसको चेंज करके वेटेड एवरेज कर दिया दोनों अलाउड हैं उनके ऊपर लगने वाला जो भी चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं जो भी दोनों चीजें अलाउड हैं उन्होंने चेंज कर दिया देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करने जा रहे हैं ये आगे चल के जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्पल ठीक है इसी को बढ़ाते चले जाएंगे हमारे टेक्निकल पार्ट होने लग जाएंगे सो उन्होंने चेंज कर दिया चेंज कर दिया आप बताओ आपने क्या चीज पढ़ी है अगर मान लो कोई एंटिटी एंटिटी किसी मेथड को पॉलिसी को जिसको चेंज कर रही होती है तो उसको उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हाँ मैम देना चाहिए चलो ठीक है अब एग्जाम्पल बनाते हैं ये हमारा इस पर्टिकुलर थर्ड वाले का ए पार्ट है या तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और ये हमारा थर्ड का बी पार्ट है कि उन्होंने डिस्क्लोज किया अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या बोलना बनता है पहले बताओ मैं एक क्लाइंट के यहाँ गई क्लाइंट ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन उसको चेंज किया फीफो से वेटेड एवरेज पर उन्होंने उसको नोट्स और अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया मेरा सवाल आप बताइए उनके नोट्स टू अकाउंट सही हैं या गलत है मैम गलत है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है हाँ मैम रिक्वायर्ड होता है तो क्या उन्होंने डिस्कलोजर पूरे दिए हैं नहीं मैम पूरे नहीं दिए तो आप क्या लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है कैसे लिखेंगे वो आगे का काम है नहीं 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 है तो आप ओपिनियन बनाने के लिए ये सब चीजों को देख रहे हो सोच रहे हो अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी ओपिनियन व्यक्त करेंगे ऐसा हुआ है तो ऐसी ओपिनियन व्यक्त करेंगे चलो

अपने लगने वाले काउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है और क्या करता बेचारा तो आप क्या कहोगे सोचो सोचो सच्चे हैं समुचित रूप से बनाए गए सही प्रकार से, से बनाया गया अभी तो हम बस ये बोल रहे हैं ठीक है चलो अब मैंने आपसे एक अगला एग्जांपल बोला मैंने कहा हम हाँ, एक क्लाइंट के ऑडिट करने के लिए गए वो क्लाइंट ना एक कंपनी है टी लिमिटेड है उनके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए शेड्यूल थ्री की रिक्वायरमेंट लगती है, भाई में। और उन्होंने 3 है ठीक है शेड्यूल थ्री बनाया तो उन्होंने जो उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स लगते हैं उसको फॉलो किया मैंने ये लॉ वाले एग्जाम्पल उठाया है कि लॉ के हिसाब से बनाए हुए हैं राइट हाँ मैम बिल्कुल बनाए हुए हैं बिल्कुल सही बात है ठीक है तो आप बताओ सिर्फ इस वाले केस के ऊपर ध्यान दो आगे पीछे कुछ नहीं तो आप क्या कहोगे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर है या नहीं है उनके ऊपर शेड्यूल थ्री लगना था उन्होंने शेड्यूल थ्री को फॉलो किया है चलो अगला एग्जाम्पल फॉर्मेट एस पर लॉ नहीं है मैं गई एक बैंक का ऑडिट करने के लिए मान लो मैं एक पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच का ऑडिट करने के लिए जाती हूँ सी फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर शेड्यूल्स दिए हुए हैं और आरबीआई के कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हुई है। हैं उसके अनुसार उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे बट उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले अब मैं नाम बोल रहा हूं गवर्निंग लॉ एप्लीकेबल भी बोल सकते हो गवर्निंग लॉ गवर्निंग का मतलब हर प्रकार के क्लाइंट के लिए आप बताओ एक ही लॉ लगेगा चाहे कंपनियां उस पर भी वही एक्ट लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी वही लगेगा एल एल पी पे भी वही नहीं नहीं सबके ऊपर लगने वाला लॉ डिफरेंट डिफरेंट है राइट तो आप बताओ उन्होंने बैंक ने अपने ऊपर लगने वाले लॉ के अनुसार फॉर्मेट्स नहीं रखे उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो नहीं किया है आपका क्या बोलना बनता है सोचो सोचो बोलो बोलो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है नहीं मैम ये कहा ट्रू एंड फेयर हो गए बिल्कुल सही बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं आप तो खुद ही बताओ ओपिनियन बनाए जा रहे हो बेचारा ऑडिटर तो क्या बताएगा? आप तो खुद ही ओपिनियन बनाए जा रहे हो तो आप ये सब बातें सोच रहे हो ओपिनियन बताते वक्त आप इन बातों को सोच रहे हो कि अच्छा इस बैंक ये क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मेरी ओपिनियन कैसी जानी चाहिए ओपिनियन में यही मिलने वाले आपको अभी आगे चल के जो उसकी सिक्स की वर्ड्स है राइट चलो अगला केस हम एक क्लाइंट के ऑडिट करने के लिए गए एक क्लाइंट ने अपनी फिग्सैट को इंस्टॉल कराया है जैसे वो होता है ना मशीनरी मशीनरी को इंस्टॉल कराया उन्होंने भाई तो जो मशीनरी के इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं आपने क्या पढ़ा हुआ है वो मशीन को इंस्टॉल कराने के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बोलो बोलो मांग कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बिल्कुल ठीक बोल रहे हो राइट आप बट ये जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट था आप देखो इसका ए पार्ट इस मैनेजमेंट ने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से शो किया आप बताओ सही किया है या गलत किया है प्लीज टेल मी फेसर सेट इंस्टॉल कराई थी उसके खर्चे थे क्लाइंट था बेवाकूफ क्लाइंट ने उसको रिवेन्यू के अंदर बुक कर दिया आप क्या कहोगे आप कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बोलो ना क्या बोलोगे नहीं है वेरी गुड लॉजिकली समझ में आ रहा है ना आपको चलो ग्रेट

हाँ जी मैम ठीक है तो आप बताओ क्या बोलोगे ट्रू एंड फेयर है या नहीं यस मैम पक्का चलो अगली वाली बात करते हैं हम एक क्लाइंट के यहाँ पे गए उस क्लाइंट के हमने नोट्स अकाउंट्स को बहुत अच्छे से देखा उसने नोट्स अकाउंट्स पूरे बनाए हुए हैं मैम पूरे बनाए हुए का मतलब अगर मान लो उनके ऊपर कोई कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी भी थी कोई केस भी चल रहा था उन्होंने उसका भी डिस्क्लोजर दिया है जो जो उनके पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज भी डिस्क्लोज़ करें उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है जैसा बनना था आप बताओ जो करना था वो किया या नहीं किया तो बताइए जो करना था वो काम किया तो हम क्या बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं ट्रू एंड फेयर है और क्या करता मैनेजमेंट यही तो करना था ग्रेट चलो अब भाई हम एक क्लाइंट के यहां पे गए हम जब क्लाइंट के यहां पे गए तो हमने देखा उन्होंने तो ना जी फेक खर्चे डाले हुए हैं फेक खर्चे बुक किए हुए हैं झूठे खर्चे बुक किए हुए हैं मैम ऐसा क्यों करेगा क्लाइंट ताकि रेवेन्यू कम दिखाई दे झूठे खर्चों के बिल डाले हुए हैं उन्होंने रेवेन्यू कम दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कम होगा टैक्स की लाइबिलिटीज भी तो कम आएंगी तो ये तो उनके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है भाई अगर उनको आईपीओ लेके आना है या अगर मान लो जो पर्टिकुलर एंटिटी है उन लोगों को बैंक से लोन उठाना है तो फिर तो वो अपने रेवेन्यू ज्यादा 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 दिखाएंगे और खर्चे कम 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 दिखाएंगे बट अगर इसका ऑपोजिट है वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमको डिविडेंड भी ना देना पड़े वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को यू नो टैक्सेस भी कम देने पड़े तो वो खर्चे तो झूठे झूठे बुक करेंगे राइट right. और हो सकता है रिवेन्यू बुक ही ना करें रिवेन्यू जो सेल्स है उसको कम बुक करें अंडर स्टेटमेंट कर तो तो करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा यस मैम ग्रेट तो आप बताओ आप गए ऑडिट करने और आपको पक्का पता चल गया फेक खर्चे कैसे भाई उन लोगों ने चार लाख रुपए के ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर दिखाए हुए थे देखो मैंने ना ये बात इसी वजह से लिख दी है मैं बोलूंगी तो शायद आपको एकदम से दिमाग से निकल जाएगी आपको नोट नहीं करना है बस इतना दिमाग चलाना है थोड़ा सा आप बताओ चार लाख के ट्रैवलिंग के खर्चे उन्होंने डाले हुए थे हम गए जी ऑडिट करने के लिए हमने उनसे पूछा अच्छा ट्रैवल के खर्चे हुए हैं भाई जब ट्रैवल के खर्चे हुए हैं तो या तो ट्रैवल एजेंसी का बिल होगा तुम किसी होटल में रुके होंगे उनके बिल्स वगैरह होंगे गए कैसे थे ट्रेन से गए थे टिकट्स हैं फ्लाइट की बुकिंग हुई है क्या हुई है कहते हैं जी क्लाइंट कहता है जी हमारे पास में तो कुछ है नहीं हमने कहा नहीं है तो फिर ऐसे कैसे आपने जो है खर्चे बुक कर लिए है एविडेंसेस नहीं नहीं है नहीं है सबूत साक्ष्य नहीं है राइट उन पर्टिकुलर खर्चों को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस नहीं है बैंक स्टेटमेंट नहीं है कहते हैं जी कैश में खर्चे हमने कहा कैश में तो खर्चे होने वैसे ही बंद हो गया नहीं जी हम तो कैश में खर्चा करते हैं मान लो ना हो गया हम तो नहीं मानेंगे हम तो ऑडिटर हैं और हमें है गलत है वहां पे राइट अब आप बताओ हम कैसा ओपिनियन व्यक्त करेंगे हम क्या कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बोलो जी बोलो नई है ग्रेट चलिए मेरे क्लाइंट ने सेल्स की थी डी डी को एक सेल्स किया था वो लोग टायर्स बना रहे थे जो भी चीज बना रहे थे दस हजार रुपए का सामान उन्होंने डी को भेजा था और ये वाली ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में आने से रह गई ओमिशन हो गया कभी छोटी क्लास में पढ़ा है एरर ऑफ ओमिशन होता है हाँ मैम पढ़ा था फाइनल अकाउंट और वो सब इलेवेंथ क्लास के अंदर राइट पता नहीं तुम लोगों के जमाने में इलेवेंथ में रहा होगा या ट्वेल्थ में रहा होगा इलेवेंथ में भी होता है रेक्टिफिकेशन तो चलो वही वाली चीज हो गई यू नो एरर ऑफ ओमिशन हो गई कोई आइटम छुट्टी हुई है नहीं लिखी उन्होंने ठीक है हमने उनसे कहा हम गए हमें पता चल गया और हमें पता चल गया कंफर्म हो गया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये आइटम आने से रह गई है आप बताओ क्या कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है हम बड़े बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट डेराव करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर बात से नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है बिकॉज यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रांजेक्शन है या आइटम्स है वो लिखी ही नहीं गई है ग्रेट अब बच्चे एक बात बताओ नोट्स वो अकाउंट ही पूरे नहीं है उन लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसके अंदर एक उन लोगों के ऊपर केस चल रहा है ठीक है जो केस चल रहा है उनके कस्टमर ने केस किया हुआ है कि कस्टमर कहता है जी आपने मेरे को खराब क्वालिटी का सामान बेचा उसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हो गया और उसके ऊपर उन्होंने जो है कंज्यूमर फोरम के अंदर केस किया हुआ है पक्का लग रहा है हार भी जाएंगे लोग फिर भी कुछ नहीं बता रहे कंपनी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइलेंट है कुछ नहीं बोला कहीं नोट्स में डिस्क्लोजर नहीं है आप बताओ डिस्कलोजर्स पूरे हैं या नहीं पूरे मैम नहीं पूरे है? अगर नहीं पूरा अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम आप क्या बोलोगे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर है या नहीं 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 मैम ट्रू एंड फेयर नहीं देखो कैसे लिखेंगे इस बात को ये तो हमारा थोड़ा सा दो चार क्लास के बात का काम है कि भाई हम मॉडिफाइड ओपिनियन वो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर उनके फ्लो चार्ज हमारी बात का काम है कैसे लिखेंगे नहीं मैं बस ये पूछ रही हूं ओपिनियन कैसी व्यक्त करेगा नहीं नहीं मैम ट्रू एंड फेयर तो यहां पर नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज़ नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर्स नहीं है कंप्लीट जो डिस्क्लोजर्स दिए जाने चाहिए थे कंटेन्जेंट लाइबिलिटी के एज पर द काउंटिंग प्रिंसिपल दो नॉट बीन गिवन बाय द मैनेजमेंट राइट अब आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूं आप ओपिनियन देने जा रहे हो अब जरा रुक जाओ ये नोटिंग बाद में करेंगे पहले इसके पीछे पड़ जाओ बिल्कुल अच्छी तरह से अब आएगा एग्जाम्पल से जोड़ने का काम ये है मेरा फोर्थ आपको केवल चार के नोट्स बनाने थे बताओ समझ आया नहीं फोर्थ ओपिनियन आज टू वेल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू सच्चे हैं सही प्रकार से बनाए गए फेयरली प्रेजेंट किए गए हैं आप ये ओपिनियन देने जा रहे हो अब जरा रुक जाओ प्लीज कोई की नहीं कुछ नहीं पहला पॉइंट एंट्रीज मैं साथ साथ में बताते जा रही हूं साथ साथ इसको रब करते जाऊंगी आप बताओ एंट्रीज यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पड़ी हैं सबसे पहले तो ओरिजिन कहां से हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो जाकर के चीज बाद में पहुंची ना पहले जर्नल जर्नल में एंट्रीज आई होंगे फिर उसके बाद लेजर बने होंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस शीट उसमें गया होगा सो जो एंट्रीज हैं आप क्या क्या चीजें देखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं अब जरा एग्जांपल से जोड़ना जो, जो मैंने एग्जांपल्स बताया आपको पहली बात क्या देखते हो वो कहीं फेक तो नहीं है जी बेटा जी कुछ ध्यान आया चार लाख रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर फेक नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंसेस सबूत नहीं थे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है ये बात के लिए क्या क्या चीजों को चेक करते हो एंट्रीज खाली रट्टा नहीं लगाना है प्लीज बात को समझो समझ के याद करेंगे हम इसको एंट्रीज फेक तो नहीं है चलो जी ओमिटेड प्लीज बेटा कुछ ध्यान आया अभी हमने ओमिशन का एग्जाम्पल किया था डटा डी को जो सेल की गई है उस सेल की एंट्री ही नहीं आई है आपने कहा था मैम वो एरर ऑफ ओमिशन होती है अभी तो आपने बोला था हाँ मैं मैर ऑफ ओमिशन हमने पढ़ी थी वही है तो आप क्या देखोगे ओमिटेड तो नहीं है और हर बात हर बात इन अकाउंट्स में हो रही है जैसे जहां पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वैसे रिफ्लेक्ट हो रही है यानी एंट्रीज जितनी थी सब अकाउंट्स के अंदर आ गई है या नहीं आ गई राइट फॉर तो हमारे पास में क्या बन गया फॉर देखो ट्रू एंड फेयर फेयर फॉर फेयर फॉर फेयर फॉर

तो आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं अभी के लिए मुझे बताइए आपको समझ आया या नहीं आया है सो so आपने ये वाली चीज बोली ठीक है देखो अगर कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर क्लास में कोई इश्यू है या कोई बात आपको समझ में आ रही कि मैम मामे को इसका एक एग्जाम्पल है आपने वाला एग्जाम्पल बनाया था केस जो आपने बनाया था सेवेंथ नंबर का उसके अंदर ये बात समझ नहीं आई यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड देन आई विल गेट बैक टू यू कि हाँ भाई ठीक है इसके अंदर ये एग्जाम्पल था बस इतना सा काम आपको करना है बट ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि अभी ये सारे एग्जाम्पल्स में मैंने वही लिखा है जो तुम लोगों ने मेरे को बोला है कि जो इंफॉर्मेशन तो दी है वो क्लियर है या नहीं एम्बिगुअस तो नहीं पता ही नहीं चल रहा है हे भगवान, के अंदर से कोई सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करी पता नहीं चल रहा सेल्स कहां पे है सेल्स रिटर्न कहां पे है कुछ समझ नहीं आ रहा देख करके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनफॉर्मेशन है क्लियर उसमें कोई नहीं है उसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरह का कोई डाउट हो रहा है, so, है, है उनका क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर हुआ नहीं क्लासिफिकेशन एडिक्वेटली डिस्कलोज है या नहीं मैम क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल तुमने किया था रेवेन्यू को रेवेन्यू में दिखाया है कैपिटल को कैपिटल में दिखाया है नहीं, right? जहां पे डिस्क्लोजर जिस अमाउंट का होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था अगर फिक्स असेट है, फिक्सर सेट में से डिप्रिशिएशन घटा के दिखाना था तो उसको माइनस करके उन्होंने डिस्क्लोज किया या नहीं किया है एंड फाइनली फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयरली प्रेजेंट किए गए जैसे प्रेजेंट होते हैं जैसा फॉर्मेट होता है जिस तरह का फॉर्मेट अगर कंपनी है तो कंपनी के लिए शेड्यूल थ्री प्लीज डोंट ओनली रट्टाफाई जस्ट टेल मी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड देन उसके बाद में हम इसको याद करेंगे सो so आप बताओ ऑडिटर की ओपिनियन किस बात पे है एस टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अर ट्रू एंड फेयर यू आर नॉट सो ऑडिटर चेक करता है और चेक करके क्या क्या चीजों को देखता है एंट्री फॉर राइट सो एंट्री फॉर एंट्री वैसे तो मैं ऐसे भी याद करती हूँ छुट्टी तो नहीं है रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन क्लियर है राइट right? ये ना जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ये यूं करके याद हो जाएगा खाली रट्टा नहीं मारना पड़ेगा राइट सो बेसिकली इंफॉर्मेशन क्लियर है वैसे इसको हम कैट भी बोल देते हैं क्लियर क्लियर से बना लेते हैं वहां पे हम हाँ।

दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास पूरी तरह से चार नंबर के लिए लग सकता है आपको ये छह पॉइंट देने पड़ेंगे इसके अंदर अभी बिल्कुल चिंता मत करो अभी आप केवल इसको नोट डाउन नोट डाउन करो बिकॉज यू पीपल मस्ट बी नोइंग हमने ये सब कुछ ऐसे तो छोड़ना नहीं है ना ये रहा बेटा ओपिनियन ओपिनियन के ये वाले सारे के सारे पॉइंट अभी हमने करे जो इसमें बनाया फॉरकैट में राइट सो बेसिकली एंट्रीज के कौन से एस्पेक्ट है और ये कौन से एक बार मेरे कहने से बस आपका यही वाला एक नोटिंग फोर्थ वाला रह गया इसको और लिख लीजिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ठीक है और अपने हिसाब से इसको आप मार्किंग कर सकते हो सो आई एम जस्ट कीपिंग मैम फॉर टू मिनट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पर अगर आपने ध्यान से चीजों को करा होगा और साथ साथ में जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाएगा और आप जब अपने हाथ से एक बार थोड़ी थोड़ी चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली लिख लोगे तो वो वैसे भी दिमाग में बैठेंगे राइट सो प्लीज बताइए हिज ओपिनियन इज ऑन एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और इसके लिए वो क्या देखता है एंट्रीज के लिए तीन आस्पेक्ट देखता है एफ ओ आर और साथ में सी ए टी सो कैट किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो देख करके चले बहुत सारी चीजें बन सकती हैं बट प्लीज ऐसे अगर आपने हाईलाइट कर लिया तो वो भी आपको याद रहेगा आपके हथ के बने हुए उन्हीं चीजों से ठीक है सो एंट्रीज फेक तो नहीं है ओमिटेड तो नहीं है और रिफ्लेक्ट अकाउंट्स में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन आई है दैट हैज टू बी लाइक वो है यानी क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस गड़बड़ तो नहीं है कुछ एम्बिग्यूटी तो नहीं है कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पता नहीं क्या ये लिखा है लोगों ने लाइक like ऐसा का सही से दिया है या नहीं नाउ कैन वी प्लीज कम टू योर कॉन्सेप्ट बुक उसका चैप्टर वन का सेकेंड वाला पार्ट मैम अभी हमने इतना ही किया है कोई बात नहीं अभी फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा ठीक है अभी आपने एक टॉपिक पे बहुत टाइम लगाया पर देखो

वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं तो ना हम आपको बता रहे हैं वो जो हमने आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना वो जो हम लोग क्या कर रहे हैं वो जो हम लोग आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब आपसे हम रेंट भी नहीं ले रहे इतना बड़ा आपको ऑफिस दिया हुआ है वो आपसे छीन लेंगे कर लो कुछ भी हमें क्या फर्क पड़ता है हम आपकी इच्छाओं के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे सो so, ऑडिटर कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ओपिनियन कैसी हो जाएगी विदाउट बींग इन्फ्लुएंस्ड आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे देखो मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बता हूं आई हैव टू बी ये बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है दिस इज सिंपल सा चैप्टर बट द थिंग इज आप अगर कीवर्ड्स भी याद रख के और अपनी भाषा में लिखाते हैं आपको नंबर बड़े अच्छे से मिल जाते हैं प्लीज so प्लीज वो की जो तो आपने एरोज एंड ऑल में बनाया उसको ज्यादा ध्यान में रखना है आपने वही यहां लिखे है। आप बताओ इंडिपेंडेंट हो तो आप एक्ट कैसे करोगे ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली आप बाइस्ड होंगे या अनबायस्ड होंगे विदाउट एनी बाय मैम मुझे विदाउट एनी बायस नहीं ध्यान आया मैंने अनबायस लिख दिया नंबर मिल जाएंगे चलो सो so कैसे सर्टेन प्रोविजन आप बताओ स्टैचरी प्रोविजन जो लॉ में दिए गए हैं जो ऑडिटर को कहते हैं ऑडिटर तुम इंडिपेंडेंट हो वो मेनली कौन कौन से जैसे लॉज में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में तो जब आप कंपनीज एक्ट करते हैं तो उसमें डिस्कालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स आता है वो आपको कहता है कि भाई अगर तुम्हारा ये रिलेशन है तो आप इस कंपनी का ऑडिट नहीं करेंगे ठीक है और अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंस मेंटेन करेगा तो क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बढ़ जाएगी सब लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यकीन करेंगे कौन लोग यकीन करेंगे आप बताओ कौन लोग थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते थे स्टेक होल्डर्स एबल टू गोट कि हाँ ठीक है भाई स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स में तो बहुत सारी पार्टी थी ना वो सब लोग ऑडिटर ने जब ऑडिट कर दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यकीन ज्यादा करेंगे सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के ये सारे फायदे अब आपको सारे की दिमाग में एमसीक्यूज भी मजे में हो जाएंगे डोंट वरी नाउ टेल मी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या हम सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल अकाउंट की बात करते हैं नहीं पी एंड एल इंक्लूडिंग देखो इंक्लूडिंग का मतलब क्या है ये इंक्लूसिव लिस्ट है अगर किसी क्लाइंट ने कैश फ्लो बनाया है तो वो कैश फ्लो भी आ जाएगा सो पी एंड एल भी भी बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स टू तो जरूर पर ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता कौन है प्रेजेंट कौन करता है फॉर्मेट्स कौन अप्लाई करता है तो बनाता कौन है बेटे मैनेजमेंट सो प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना उसको प्रेजेंट करना उसको डिस्क्लोज करना प्रॉपर शेड्यूल्स के अंदर किसकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट का नाउ एंटिटी ये तो पक्का याद हो आएगा एंटिटी एनी एंटिटी चलिए बताइए एनी एंटिटी आपने तीन बातें कही थी इनरेस्पेक्टिव ऑफ ए सोचो इनरेस्पेक्टिव है क्या चीज के ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म भी नहीं और प्रॉफिट मेकिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कुछ भी हो सकती है प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है चैरिटेबल भी हो सकती है स्मॉल मीडियम कोई भी साइज हो सकता है आई होप क्वाइट ओके, इजी ग्रेट अब बेटा दिस इज वेरी आई एम टेलिंग यू ये ओपिनियन को हमको अलग से भी तैयार करना है ठीक है वैसे तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन लगी जाती है कहीं ना कहीं ठीक है पूरे के पूरे पेपर के अंदर सो बेसिकली ओपिनियन ियन दस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑडिटर ओपिनियन कहा व्यक्त करेगा तो क्या ओपिनियन वो अपना फोन पे बता देंगे हाँ हाँ क्लाइंट मैंने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया है और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है नो वेज ही हैज टू मेक अ रिटर्न रिपोर्ट वो रिपोर्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी उस रिपोर्ट में अपनी राय को व्यक्त करेगा ठीक है चलो जी इन अ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट तो आप बताओ उसको यह देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं कर रहे आई आर नॉट मिसलीडिंग इसके लिए वो क्या क्या बातें देखता है याद करके बताओ एंट्रीज याद करो प्लीज एंट्रीज एंट्रीज के लिए क्या क्या चीजें देखी उसने छुट्टी तो नहीं है झुट्टी तो नहीं है रिफ्लेक्ट हो रही है ध्यान आया चलो सो अकाउंट्स अकाउंट्स जो भी बनाए गए हैं वो ड्रॉ किए गए हैं जो एंट्रीज थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके हिसाब से अकाउंट्स में एंट्रीज जो है वो प्रॉपरली आ रहे हैं वो सपोर्टेड बाय एविडेंसेस है। देखो अभी हम इसको लिख लेते हैं एविडेंसिस एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ये वैसे शॉर्ट फॉर्म ये हम अभी धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे सफिशियंट बहुत सारे एविडेंस मिल गए सही प्रकार के एविडेंसेस मिल गए सो so, जो ट्रांजेक्शन है वो सपोर्ट हो रहे हैं विद एविडेंसेस एंड एंड एक और बात न ऑफ द एंट्री हैज बीन ओमिटेड कोई भी एंट्री छूटी भी नहीं है कोई एंट्री छूटी नहीं है तो आप ये बताओ अकाउंट में प्रॉपरली एंट्री हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है प्रॉपरली एंड साथ में सपोर्ट हो रही है एंड साथ में कोई छूटी नहीं है तो कोई छूटी नहीं है कोई झूठी नहीं है कोई फेक नहीं है एंट्रीज आई होप इसका आपको लॉजिक समझ में आ गया अब आप बताइए जो इंफॉर्मेशन है आपने एक बात देखी बेटा देखो यहां पे ना स्टेटमेंट्स की बात आ रही है तो आप बताइए स्टेटमेंट में जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्लियर है अनएम्बिगस है देखो कीवर्ड्स ऑलरेडी है आप इसके ऊपर एक चला भी सकते हो अदरवाइज अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा याद करना है आपको मैंने ये तीन तीन के ग्रुपिंग के अंदर करा दिया है ऑलरेडी की में तो क्लियर है कोई उसमें एम्बिग्युटी नहीं है कोई यानी अरे पता नहीं क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा नहीं लग रहा है किसी यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्कलोज पीएल की आइटम्स पीएल में गई है बैलेंस शीट की आइटम्स बैलेंस शीट में गई है जो चीज जहां जैसे डिस्कलोज करनी थी वैसे डिस्कलोज हुई है एज पर बेटा बच्चे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बोलाएगा उसने एप्लीकेबल अकाउंटिंग बिकॉज किसी के ऊपर एएस लगता है किसी के ऊपर एनडीएस लगता है चलिए एंड स्टेटमेंट ऑफ़ वो कैसे अल्टीमेटली ट्रू एंड फेयर किस चीज के एक तो ऑपरेशनल रिजल्ट रिजल्ट किस में पता चलेंगे पी एंडल प्रॉफिट लॉस में एंड रिजल्ट क्या ऑपरेशनल रिजल्ट ओ फायदा हुआ है ओ नुकसान हुआ है या नहीं एंड असेट्स एंड लाइबिलिटीज कहां पर पता चले होंगी बैलेंस शीट के अंदर सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि अगर ओपिनियन का भी देखो पूरा कंप्लीट आपका समझ में आ करके अगर तैयार हुआ है देन इसको आगे चलेंगे हाँ राइट right? एक बार मैं लास्ट में आपको गो थ्रू और करा दूंगी लास्ट में मैंने आपको रिवाइज और करा देना है उससे भी चीज हो जाएगी इतनी बात क्लियर ना सो so, ऑडिटिंग क्या कर रहा है अभी तो मैं केवल ये बोल रही हूं कि अगर कोई ऑडिट कर रहा है तो उससे यूजर्स को तसल्ली मिल रही है अश्योरेंस मिल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है हो रही है कि हम उसपे चलो जी रिलाय कर सकते हैं ऐसा प्रोफेशनल जिसको क्या करना होता भाई दो चीजें बहुत अच्छे से आती हो आप बताओ क्या एक तो अकाउंटिंग बहुत अच्छा आता है एक ऑडिटिंग ये दो तो आना मस्ट है बिकॉज अगर अकाउंटिंग नहीं आता तो दूसरों के बनाया को कैसे चेक करेगा ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऑडिटिंग तो आना ही चाहिए तो चार्टेड अकाउंटेंट हिंदुस्तान में जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है मैम ये सीओपी क्या होता है देखो जब हम सी ए करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हम जॉब भी कर सकते हैं यूजली जो चार्टेड अकाउंटेंट जॉब करते हैं ना उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता आपको पता है जब आप अपने सीए फाइनल में पहुंचोगे तो आप जब अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो आपकी आर्टिकलशिप किसी ऐसे सीए के अंतर्गत होगी जो सीए के पास सीओपी होगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होएगा राइट सो इट्स लाइक दे आर इन टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो लोग का, का काम कर रहे हैं सो ऑडिटिंग वही चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं जो प्रैक्टिस का, का काम करा होता है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है इसको भी कभी और आगे भी और ज्यादा डिस्कस करेंगे अभी के लिए इतनी बात क्लियर ठीक है अब बताओ देखो ऑफ ऑडिट ऑडिट आकर जरूरी क्यों है साथ, साथ में auditing, मैं कैसे हो गया बच्चे? आप मुझे छोटी सी चीज ये बताओ बहुत छोटी सी चीज देखिये ऑडिटिंग का डेफिनेशन और ये सब बहुत अच्छे से क्लियर है आपको चलो गुड आप बताओ बेनिफिट भाई जो मेन मेन यूजर्स है उन्हीं को तो बेनिफिट हो जाएंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एक मॉरल चेक भी लगेगा हाय राम हमारे तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना ये ऑडिट भी होते हैं तो हम तो फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम फ्रॉड करेंगे तो जो ऑडिटर आएगा वो हमारे किए हुए फ्रॉड्स को ढूंढ लेगा तो एक मॉरल चेक प्लस वो लोग टाइमली टाइमली सारी चीजें सारे काम करेंगे सो so मैनेजमेंट को भी पता चलेगा हा भाई हमारे बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं ठीक है बैंकर ओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है चलो ठीक है फिर तो मैं इस पर रिलाई कर सकता हूं अगर उनके आ आ रहे हैं, तो तो सच में मैं सोच सकता हूं कि मैंने अगर इनको लोन दिया, तो मुझे वो पैसा रिकवर होएगा या नहीं आएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या चीज पता चलेगी टैक्सेस टैक्सेस की रिजनेबिलिटी उनको पता चलेगी आई होप दैट्स ओके शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स देखो इन्वेस्टर्स तो वही शार्क टैंक वाला भी एग्जाम्पल मैं पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं हाँ अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल ओ प्रॉफिट्स आ रहा अच्छा ठीक है ठीक है फिर तो ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी फिर मैं तो पैसा लगा देता इसमें शेयर होल्डर्स अरे भाई जो हमने पैसा लगाया है कैन वी एक्सपेक्ट डिविडेंड तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर में आते हैं वेबसाइट पे आते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होते हैं तो शेयर होल्डर्स को क्या लगता है अरे भाई ये पता चल रहा है नी हा प्रोफिट आई गुड 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 आई कैन एक्सपेक्ट डिविडेंड्स राइट right? तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये अल्टीमेटली किसको हो रहा है बेटे अल्टीमेटली ना यूजर्स को ही हो रहा है ये जो यूजर्स हैं इसी के अराउंड ये टॉपिक बना हुआ है ये तो बहुत मजे में फटाफट से अब आपका टॉपिक हो जाएगा आप बताओ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट क्यों ऑडिट जरूरी है अगर ऑडिट हुआ है तो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अरे अरे सीएनए चेक किया है अगर सी ये बोल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है तो वो सच सच्च में सच्चे और सही प्रकार से बनाएगा जाएगा राइट तो आप बताओ कि भाई जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो सही है और जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फॉलो हो रहा सही बात है अब आप सोच के बताइए कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए ओनर्स तो शेयर होल्डर्स हैं पर बनाए किसने मैनेजमेंट ने उनकी देखरेख में बनाया गया सो बेसिकली डायरेक्टर्स की देखरेख में बनाया गया अब ओनर्स को डाउट होगा हम्म कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने कुछ मैनिपुलेशंस करे हो यहां कंपनी कैसे काम कर रही है कैन वी एक्सपेक्ट डिविडेंड और नॉट कैन वी एक्सपेक्ट रीजनेबल रिटर्न और नॉट तो आप बताओ वो लोग भी तो एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहते हैं इंडिपेंडेंट समझ में आया? अब इंडिपेंडेंटली चेकिंग भाई डायरेक्टर्स की बात नहीं। कोई पर्सन आएगा तो उन्होंने जितनी मैनिपुलशन झूठी मोटी एंट्रीज डाली होंगी वो पकड़ लेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैक्सेस के लिए बैंकर्स को क्रेडिट डिसीजन भैया इस एंटिटी को लोन दें या ना दें आप समझ लो बेनिफिट ऑडिट क्यों कराया जा रहा है अल्टीमेटली यूजर्स का ही जिक्र आ रहा है इसके अंदर ऑडिटर जो है वो तो फ्रॉड और एरर को भी डिटेक्ट कर लेगा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी होगी फेक एक्सपेंडिचर है अच्छा सबूत तो है नहीं ऐसे कैसे मान लो चार लाख का खर्चा जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का तो वो ये गड़बड़े पकड़ लेगा तो अल्टीमेटली अब देखो उसको ये पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रकार से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है तो एक काम करते हैं ये इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज ये इंटरनल कंट्रोल हम लोग एक्चुअली डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे थोड़ा जब हम प्रोसीजर्स और उनको डिटेल से पढ़ेंगे सिर्फ अभी इतनी सी बात बताओ कंट्रोल्स भाई

आसान है और कैसे आपने बेटा जी बनाया ये ये जो आपका बेनिफिट है अल्टीमेटली घूम फिर के इन्हीं सब पार्टीज को हो रहा है ये सब आपको ठीक चलो ग्रेट अब बच्चे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका विच इज ऑडिट मैंडेटरी होता है या वॉलंटरी होता है देखो इसका नटशेल समझ लो अब यहां पे तो तुमको लिखना कैसे एग्जाम में उसके हिसाब से ज्यादा ही लिखा हुआ है आप मेरे को एक बार बताओ देखो कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज ऐसी होती हैं जहां पे ऑडिट कराना जरूरी होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है जैसे कंपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगे ही होंगे सेक्शन नंबर 129 में लिखा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है ऑडिटर अपॉइंट होएगा ही होएगा और इवन एजीएम के अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स जाएंगे सो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज के लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट है है बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा तुम भैया बैंक तो पक्का पक्का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगे ही होंगे बट हर के लिए जरूरी नहीं होता पर फिर भी कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज ऑडिट करवा लेते हैं क्योंकि उनको फायदा लगता है मैम क्यों फायदा लगता है देखो एक पार्टनरशिप फॉर्म है नॉर्मल एक पार्टनरशिप फॉर्म है उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तीन पार्टनर्स है पी क्यू आर ठीक मतलब रोजमर्रा में तो उसके दिमाग में ना एक डर आ रहा है उसको एक डाउट सा लग रहा है हाई पता नहीं कहीं ये एक्टिव पार्टनर्स मेरे को बेकूफ तो नहीं बना रहे हैं कहीं इनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है लोग कम दिखा रहे हैं उसकी वजह से मेरे को शेयर कम मिल रहा हो तो कई बार ये पार्टनर्स आपस में भी डिसाइड कर लेते हैं कि चलो एक काम करते हैं ऑडिट कराने से फायदा तो हो ही जाता है आपस में डिस्प्यूट्स भी नहीं होते हैं राइट right? तो चलो ऑडिट करा लेते हैं तो वो वॉल्ट्री ऑडिट हो गया उन्होंने ऑडिट के बेनिफिट्स की वजह से करा लिया राइट right? तो अब बताओ अगर लीगली मैंडेटरी सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे इसमें और ज्यादा की जरूरत नहीं है जैसे कंपनीज हैं तो उनको तो कंपल्सरी कराना है राइट इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी टैक्स लॉस के अंदर टैक्स ऑडिट कराना होता है अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो हमारे यहां इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी होता है ना प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन राइट तो वहां पर एक आता है अंडर सेक्शन कि अगर आपका टर्नओवर इतने अमाउंट से ज्यादा का है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी इवन कुछ जगह पे ऑडिटिंग का प्रोविजन जीएसटी के अंदर भी आया करता है सो so बेसिकली वो टैक्स ऑडिट्स होते हैं एक बात प्लीज ध्यान से समझना टैक्स ऑडिट्स आर एक्चुअली डिफरेंट ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं ये हम ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं बट टैक्सेशन लॉस में भी ऑडिट कराई जाती है वो टैक्स लॉस के हिसाब से होती है ना अब ये कहते हैं सम एंटिटीज जैसे स्कूल्स भी कराते हैं ऑडिट क्यों क्योंकि क्यों, उनको गवर्नमेंट से क्या मिलनी होती है ग्रांट मिलनी होती है गवर्नमेंट वाले ग्रांट तब देंगे जब आप ये बात पक्का कर लोगे हाँ जी ठीक है हमारे यहां पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं लग रहे हैं से हमने चेक करा लिया है जी पर ऑडिट हमेशा मैंडेटरी नहीं होती कुछ लोग वॉलेंट्रिल भी कराते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनरशिप फॉर्म या वट तो पता है क्या कर सकते हैं हम इसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम सिर्फ वर्ड बोलते हैं ऑडिट सारे वर्ड्स बोल रहे हो यहीं के यहीं पर आप इसको लिख लेंगे ठीक है आपके पास में इसी टॉपिक के नीचे आप इसको लिख लीजिए आपको अभी बात समझ आ जाएगी चाहे वर्ड आए ऑडिट चाहे वर्ड आए इंडिपेंडेंट ऑडिट एक ही मतलब है कोई मतलब चेंज नहीं है ऑडिट मींस इंडिपेंडेंट ऑडिट चाहे वर्ड आए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही मतलब है ऑडिट किसका हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है राइट सबका वही डेफिनेशन है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एट ओपिनियन दे आर ऑन बिल्कुल ठीक बोले आप चलिए जी चाहे वर्ड आए फाइनेंशियल ऑडिट वही मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है चाहे वर्ड आए स्टैचरी ऑडिट मैम स्टैचरी ऑडिट का भी वही मतलब है हाँ ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बस वो ऑडिट कराना कंपलसरी कहाँ है लॉ में सो व्हेन ऑडिट इज मेड कंपलसरी बाय लॉ दैन द ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैचरी ऑडिट सबके मायने एक सिर्फ वर्ड ऑडिट लिखा हो तो भी इससे ज्यादा और अभी आगे नहीं चल रहा

स्टेच्यूड का रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट बन गया उसके अनुसार कराना पड़ा सो दिस पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैचरी ऑडिट ठीक है राइट सो ऑडिट वॉलेंट्री भी हो सकते हैं और मैंडेटरी भी हो सकते हैं अभी के लिए इतना ना अब आप मेरे को एक छोटा सा एक पार्ट कराइए दिस इज ओनली एंड ओनली आई एम टेलिंग यू ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए है। ये आपको कॉन्सेप्ट बुक में टॉपिक मिलता है वन मुझे पक्का यकीन है अब आप ये मुझे बता देंगे ठीक है चलो एक काम करते हैं वन पॉइंट सिक्स टॉपिक को करने के लिए एक और तरीका अपना दे चलो मैं आपसे एक अंतर पूछते हूँ एक डिफरेंस पूछते एक है अकाउंटिंग और एक है ऑडिट ठीक है आप बताओगे आप सोचोगे आप जो बोलोगे वो ठीक होगा यू हैव टू रिलाय ठीक है आप पक्का पक्का ठीक ही सोचोगे बताओ दोनों में क्या काम करता है मैम क्या काम करते का मतलब चलो क्या कभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी छोटे क्लासेस में भी पढ़ी होगी इवन शायद फाउंडेशन में भी होगी ये जरूर से ऑडिटिंग इज नहीं ऑडिटिंग तो मैम हमने अभी, अभी अभी पढ़ा है हम तो अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं बिल्कुल जी बोलो अकाउंटिंग की बता दो चलो अकाउंटिंग क्या होता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ध्यान आया रिकॉर्ड करते, करते, करते हैं क्लासीफाई करते हैं राइट फाइनेंशियल ऑडिट तो अभी एंटिटी एंटिटी कैसी है प्रॉफिट और नॉट ए रिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म वेन सच एन एक्सामिनेशन इज कंडक्टेड व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे आर ऑन बिल्कुल ठीक बोले आप तो आप बताओ क्या करते हैं लिख दिया चलो जी अब बताइए जो ये अकाउंटिंग की बात है अकाउंटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी तो और ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पक्की बात दो चार डिफरेंस बता दो फिर कोई दिक्कत नहीं है अब अब बताइए ये मैनेजमेंट और ये ऑडिटर राइट right? अब बताओ किसका सीए होना कंपल्सरी है अगर तौर तो पे स्टैचरी ऑडिट हो मैम इसके लिए तो सीए ना कंपलसरी है अब आप सोच के बताओ कौन सा काम कब किया जाता होगा अकाउंटिंग पहले होती होगी या ऑडिट पहले होती होगी पहले अकाउंट्स बनाए जाते होंगे या पहले उसको एग्जामिन कराया जाता होगा बोलो बोलो हाँ मैम ये काम पहले होता है अकाउंटिंग पहले होता है और ऑडिट उसके बाद जब अकाउंट्स बन जाएंगे उसके बाद ही तो ऑडिट होएगा भाई ग्रेट बहुत बढ़िया चलो अब आप दोनों काम आने चाहिए क्योंकि अगर इसको अकाउंटिंग करना नहीं आता तो यह दूसरों के बनाए हुए अकाउंट को चेक नहीं कर पाएगा समझ पा रहे हो इट्स लॉजिकल थिंग सिंपल सोच के बताओ अकाउंटिंग कौन से प्रिंसिपल्स के हिसाब से की जाती है मैम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेनली किसमें दिए होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑडिटिंग कौन से प्रिंसिपल्स के हिसाब से की जाती होगी ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स वो किसमें दिए होते हैं पता है हमारे सिलेबस में ये बहुत मेन पार्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यही हमको धीरे धीरे पढ़ने शुरू करने हैं और इन्हीं पे अपना पकड़ सबसे ज्यादा बनाना है हमारा सिलेबस में सारे चैप्टर्स मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर नॉट सारे आई वुड टेल यू धीरे धीरे कि 11 चैप्टर में से कैसे कैसे इनका अभी तो हम बेस बना पाइफे केवल मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड्स स्टांडर्स तो है तो ऑडिटिंग किया जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से आप ऑडिट कैसे करते हो जैसे आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिट में हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो ऑडिटर फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को राइट चलिए ग्रेट अब आप एक बार देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है इसको प्लीज समझना है बस और कुछ नहीं करना इसको कोई रट्टा नहीं मारना आपने अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग और ऑडिट क्या है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे आर ऑन चार की को मिला दिया था ठीक है अब तक तो याद हो जाना चाहिए था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटिटी ओपिनियन अब बताइए अकाउंटिंग में फाइनेंशियल चीजें रिकॉर्ड हो रही है रिकॉर्ड हो रही है जबकि ऑडिटिंग में उसको क्या कर रहे हैं बेटे एग्जामिन देखो की वर्ड ऑलरेडी हाईलाइटेड है आपको बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत अकाउंटिंग जिसको अकाउंटिंग आता होगा और ऑडिटिंग करने के लिए हिंदुस्तान में एक रिक्वायरमेंट है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत जरूरी है ठीक है चलो अकाउंटिंग ए एस या इनडीएस के हिसाब से मैनेजमेंट करता है और ऑडिटिंग देखो नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में आज के दिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम है आज के दिन जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम है इज एस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमारे यहां पर एससी का फुल फॉर्म है जो हम लोग अब पढ़ने जाएंगे धीरे धीरे ठीक है सो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट होता है मैम एक बात बताओ ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फिर क्यों लिखा देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो कॉमन वर्ड है कॉमन राइट right? आज के दिन उसको एससी बोला जाता है मैम कभी पहले कुछ भी और भी बोला जाता था हाँ एस से नहीं बोला जाता था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं कुछ और नाम होता था इसका एस होता था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फिर उसके बाद में नाम हो के, so, के, के हिसाब से होता है चलो अब आप बताओ अकाउंटिंग करना किसकी जिम्मेवार है मैनेजमेंट की और ऑडिट करना किसकी जिम्मेवारी है ऑडिटर की ऑडिटर को एक काम सिर्फ ऑडिट आना चाहिए दोनों आने चाहिए प्लीज बताइए सो ऑडिटर को दोनों काम आने चाहिए और आप बताओ कौन सी चीज पहले होगी कौन सी चीज बाद में आएगी सो so, जो है वो पहले बनाए जाएंगे ऑडिट उसके बाद होएगा मतलब ऑडिटिंग तो बाद में ही ना अकाउंटिंग पहले होगा सो अकाउंटिंग इज समथिंग विच इज डन प्रायर टू ऑडिटिंग आई होप आपको समझ आ देखो इसको तो रट्टा लगाना नहीं है ये तो आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट को रिवाइज यू नो कॉन्सेप्ट को थोड़ा पक्का करने के लिए है सो so, इसको कुछ करने की आज सच आपको जरूरत नहीं है अब मैं आपसे कुछ चीज पूछने जा रही हूं देखो एक तो हमारे पास में ये वाला पार्ट हो गया एक हमारे पास ये अब अगर मैं आपसे इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करूं ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटिंग आया कहाँ से तो, तो बहुत पुराने जमाने से आ रहा है इसको ऊपर ऊपर से मेन मेन बस सिर्फ चीजें करेंगे इसमें ओनली की की हाईलाइटिंग एंड ऑल करेंगे इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है दो तीन चीजें इसके अंदर एमसीक्यू के लिए पर्पज के लिए बेसिकली याद करने हैं एक तो प्राचीन काल में कौटल्या चाणक्य के अर्थशास्त्र सो so दैट इज देखो हमारे यहाँ पे आज के दिन तो बहुत सारी चीजें हैं बहुत मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं एक्सेट्रा बट पुराने जमाने के अंदर जो सबसे ज्यादा रेफरेंस मिलता है वो मिलता है कौटल्या के चाणक्य जिसको हम बोलते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर तो सबसे पहले ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर आया तो होता क्या था तो पुराने जमाने में जो राजा लोग ये आपके बेसिकली एमसीक्यूज वगैरह के पर्पज के लिए इसके दो तीन जो की हैं वो मैं आपको मेनली हाईलाइट करा रहा हूँ तो वहां पर क्या चीज होती थी वो लोग भी वहां पे उस बुक में भी अर्थशास्त्र दिस इज अ वेरी प्राचीन बुक उसके अंदर भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर की बात आती है अकाउंट्स क्लोज होंगे उनकी चेकिंग कराई जाएगी बिकॉज किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब पीरियडिकल चेकिंग देखो हमारे यहाँ तो ईयरली ऑडिटोरिया भी मॉडर्न टाइम के अंदर है, तो हम ईयरली ऑडिट की बात कर रहे हैं राइट वेरिफिकेशन आप चेकिंग करो मेरे से स्टेटमेंट्स तो नहीं है ये सब चीज़ें कराई जाती थी तो ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है Auditing बहुत पुराना है ऑडिट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान के अंदर भी अर्थशास्त्र जो एक बहुत पुराना ग्रंथ है उसके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है है बट ये ये जो है, एक बेटा के लिए जरूर याद रखेंगे इसका मतलब होता है टू हियर क्यों क्योंकि पुराने जमाने में अकाउंट्स को लिखा जाता था और ऑडिटर उनको सुनता था सुन करके वो उस पर नतीजा निकालता था कि अकाउंट सही तरह से रखे हैं या नहीं रखे हैं तो ऑडिटर हियो करता था अकाउंट्स देखने के लिए कि एम्प्लॉज केयरलेस तो नहीं है so, सो ये लेटिन वर्ड से आया है और जिसका मतलब क्या है टू ही सो आई होप इतना इज क्वाइट ओके

बिकॉज ये वही बैकग्राउंड बता रहा है तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया बहुत इंडस्ट्रीज बनी एंड ऑल तो वैसे वैसे अकाउंटिंग की बुक कीपिंग अकाउंटिंग इन सब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई तो उसमें मिस स्टेटमेंट उसमें गड़बड़ों की चीजें भी आई मैनिपुलेशन आइटम छूटी तो नहीं है झूठी तो नहीं है तो ऑडिटर के भी रिक्वायरमेंट आए सो so जस्ट इतना कर जाते हैं एंड प्लीज ट्रस्ट मी ये जो हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है वो सब हमारा ये गवर्नमेंट ऑडिट्स के अंदर हो जाएगा

अब हम जो कहते हैं हमें अकाउंटिंग कौन करता है ऑडिटिंग कौन करता है ये वाली बात भी हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कराने जा रही हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे देखो हमारे ये कॉन्सेप्ट मिलता है हमको अभी हम ये टर्मिनोलॉजीज ही सीख रहे हैं ये टॉपिक नंबर 1.9 में आपको मिलेगा एक नोट के नाम से एप्लीकेबल एफ आर एफ हम इसको पढ़ेंगे नहीं हम इस टॉपिक को डिराइव करने की कोशिश करेंगे बिकॉज अब हमें ये अभी से तैयार करना है वॉट इज एप्लीकेबल एफ आर एफ ये क्या है कैसे है वगैरह वगैरह चलो इसको थोड़ा सा ना समझ करके चलते हैं देखिए बच्चे आ, अच्छा एक बात बताओ आप लॉजिकली समझना चाहोगे ये वर्ड कहां से आया कैसे आया लेट मी एक्सप्लेन यू इससे ना आप कभी भूलोगे नहीं सच में नहीं भूलोगे ठीक है हमारे पास में एक टर्म आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम कुछ चीजें डिराइव करेंगे मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगी आप मुझे बताएंगे आपके कॉन्सेप्ट और पक्के आएंगे चलो सबसे पहले ये देखते हैं ये टर्म आया कहां से क्या है क्या है इसका मतलब देखो बीचे अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर बात करूं ठीक है तो हिंदुस्तान में हम लोग वर्ड बोलते हैं फॉर इंडियन आपको आपको लिखना नहीं है है ये सिर्फ इधर ध्यान लगाना है। ये हर चैप्टर में आप ये एफ आर एफ एफ आर एफ वर्ड पाएंगे ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और अगर आप रट्टा लगा के जाएंगे तो आप सब गड़बड़ गड़बड़ कर देंगे सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड कहां से आया मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं देखो हम जिस को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर लग रहा है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन कैसे होएगा ये रिक्वायरमेंट्स बताते हैं ठीक है चलो आपको पता है बाहर क्या बोला जाता है ग्लोबली ग्लोबली बोला जाता है आई एफ आर एस मैं फिर से बोल रही हूं क्या बोला जाता है बेटी आई एफ आर एस आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मैंने कहा ये नाम है अब एक काम करते हैं एक बात बताइए आप मुझे अगर मैं कहूं तो जो हिंदुस्तान के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात है आप बताओ इंडिया में वर्ड चला इंडियन इंटरनेशनली वर्ड चल रहा है इंटरनेशनल यहां पे भी एक वर्ड कॉमन है स्टैंडर्ड यहां पे भी वर्ड कॉमन है स्टैंडर्ड एक्चुअली ये जो फर्क है ये क्या है अकाउंटिंग जिस चीज को हम लोग ट्रेडिशनली बोलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अकाउंटिंग करते वक्त लगाए जाने वाली रिक्वायरमेंट्स उसी को इंटरनेशनली क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना रिपोर्ट वही है एंड एल बैलेंस मैं तुमको एक चीज बता रही दू तो बहुत हेल्प करेगा ये कभी कभी तुमने आगे चल करके अगर पढ़ी थो, राइट? तो जिस को हम एक कॉमन लैंग्वेज में हिंदुस्तान में अकाउंटिंग कह देते हैं उसी को इंटरनेशनली क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी उस चीज का प्रोसेस क्या है राइट ठीक है सो so, ये क्या है हमें बताता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त लगाए जाने वाले स्टैंडर्ड्स ग्लोबली बोलते हैं आई के अंदर इंडिया में बोलते हैं या तो लगता है एएस या तो लगता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया एस जिसकी हमने बात किया अब हमने इसको हटा दिया तो अब आप मुझे बताओ प्लीज ये जो मैंने एक शब्द लिखा सिर्फ एक पूरा फ्रेज जिसमें तीन शब्द हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ठीक है अगर मैं कहूं तो आप ही बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त या मैं लिख सकती हूं अकाउंटिंग करते वक्त हिंदी इतना तो सबको समझ में आता है ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त या अकाउंटिंग करते वक्त फ्रेमवर्क का मतलब है रिक्वायरमेंट्स ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको लिखना नहीं है इसको इस वर्ड को अगर हम पकड़ करके चलते हैं तो एफ आर एफ या फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है ऑल दो रिक्वायरमेंट विच आर टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ये वर्ड पकड़ता सच में बोल रहे हो ठीक है अब बच्चे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑल दो विच आर टू बी फॉलोड जबकि क्या करना है फ्रेमवर्क का मतलब रिक्वायरमेंट्स सारा वो ढांचा वो स्ट्रक्चर वो सब कुछ रिक्वायरमेंट्स जिसके भीतर रह करके क्या बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने अकाउंटिंग करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है

फॉर एप्लीकेबल एफ आर एफ मैम उसने एप्लीकेबल वर्ड क्यों बोला देखिए एक बात समझिए एप्लीकेबल एफ आर एफ हर एक के लिए एफ आर एफ अलग अलग है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी की बात करोगे लिस्टेड कंपनी की तो उसके ऊपर लगेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट राइट right? अगर मान लो कोई एंटिटी है एफ आर एफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त की रिक्वायरमेंट वो बैंक है ठीक है तो बैंक के ऊपर अगर मान लो एस लग रहा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है और साथ में उसके ऊपर लगने वाला लॉ कौन सा है तो उसके ऊपर लगने वाला लॉ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो एफ आर एफ जो होता है एप्लीकेबल वो दो जगह पर दिया जाता है एक तो बच्चे स्टैंडर्ड्स में दिया जाता है और एक दिया जाता है गवर्निंग लॉ में गवर्निंग स्टैच्यू के अंदर बेट लिया तो हमें जगह जगह मिलेगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ आर एफ को फॉलो करने की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ आर एफ को फॉलो करने की आप कहोगे मैम एक बात बताओ उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने की भाई अगर वो ये लिखेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने की राइट और कल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम चेंज हो जाए मान लो सन 2030 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह हिंदुस्तान में मान लो देखो मैंने इसीलिए बहुत फ्यूचर की बात करी है आई एफ आर एस आ जाए तो उनको सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में ये वर्ड लिखना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएफआरएस की राइट जो वो नहीं लिखना चाहते तो उन्होंने कॉमन वर्ड निकाल दिया कि जिसके ऊपर जो एफ आर एफ लग रहा है मैं फिर से बोल रहा हूं हमारे यहां पर एक कॉमन वर्ड निकाल दिया जिसके ऊपर जो एफ आर लग रहा है वो एफ के अनुसार उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, पता है जब मैंने सन 2010 में ये टर्म पढ़ाया एफ आर एफ तो पता है एफ आर एफ का मतलब क्या था सच मुझ में बता रहे हूं ये ऑडिटिंग के अंदर सन 2010 में एफ आर एफ टर्म था

और बेटा पता है लॉ के अंदर अगर कंपनी होती थी तो पता है कंपनी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट अब मैं पुराने वाले तुमको थोड़े ना सेक्शन बताऊंगी कंपनी तो एक बार उन्होंने में लिख दिया कि एफआरएफ फॉलो करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कुछ ही होता रहे हिंदुस्तान में ए एस लगे एनडीएस लगे चाहे कोई पर्टिकुलर कंपनीज चेंज होए उन्होंने कॉमन टर्मिनोलॉजी बोल दी एफ आर एफ एफ आर एफ इज कॉमन टर्मिनोलॉजी कुछ भी लगे चलिए जी उसके बाद में बच्चे अगर आज आप पढ़ते हो तो आज एफ आर एफ के अंदर हम क्या लिखते हैं भाई ए एस भी लग सकते हैं एप्लीकेबल और एप्लीकेबल में एनडीएस भी लग सकते हैं और अगर कंपनी है कंपनी है तो आज मैं क्या एग्जांपल यूज कर रही हूँ क्या मैं कंपनी no. से छप्पन यूज कर रही हूँ नो एफ आर एफ किस में दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में 13 में दिया गया है तो ये कॉमन टर्म लिखने से सबका काम सॉल्व हो गया जब जो लगे मान लो सन 2030 में 2030 में आज से कई सालों के बाद में मान लो हिंदुस्तान में आई लगने लग जाए और मान लो कोई और एक्ट आ जाए तो तब का एग्जाम्पल एफ आर एफ का वो आ जाएगा सिंपल एनफ राइट तो आप बताओ व्हाट वीनिंग ऑफ एफ आर एफ तो वो हर जगह बोलता है कि जाते हैं है। जब आप जिस साल में ये वर्ड पढ़ रहे अपने आप सोच लो ना कि वो पर्टिकुलर एंटिटी ने कौन सी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया so me, थोड़ा रिलेशन -थोड़ा समझ हुआ हम हाँ, हर क्लास में ये आएगा, हर स्टैंडर्ड में उससे रिलेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आने लग जाएगी ठीक है तो आप मुझे एक बात बताओ, अब तक आपने जितनी नोटिंग करी है उसके बाद बोलो जी वॉट इज एफ आर एफ जस्ट मी वॉट इज एफ आर एफ ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स जो किसको फॉलो करनी है विच आर टू बी फॉलोड फॉलो करनी है जब क्या बना रहे होते हैं

फ्रेमवर्क का मतलब हो गया वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स भाई है ना तो हमारे पास डेफिनेशन बन गईमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाया थैंक यू सो मच मैनेजमेंट ने बनाया एंटिटी ने बनाया तो एफ आर एफ को फॉलो भी किसको करना है फॉलो करना है अभी मैं ना एंटिटी लिख रहा हूं बस ये बता दो ऑडिटर को तो फॉलो नहीं करना ना।

क्योंकि अकाउंटिंग कौन कर रहा है मैनेजमेंट कर रहा है अब बताओ अगर हम आज के दिन सो एप्लीकेबल आर एफ दिया होता है बस इसको और नोट करना है आपको एप्लीकेबल एफ आर एफ दिया गवर्निंग लॉ के अंदर अगर मान लो एंटिटी है बैंक तो उसके ऊपर लगेगा स्टैट्यूट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर एंटिटी है कंपनी तो उसके ऊपर लगेगा कंपनी दो हजार तेरह के अनुसार उसको

राइट सो जस्ट जस्ट राइट इट डाउन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ये किस में होता है एप्लीकेबल एफ आर एफ गवर्निंग स्टैट्यूट में होता है और स्टैंडर्ड में होता है सिर्फ इतना लिखिए और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछते हूँ देखते हैं आप उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं मेरा एक क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद में सो so जस्ट इतना नोट डाउन कीजिए जस्ट फॉर टू मिनट्स देन आई वुड आस्क यू समझ रहिए फिर भी एक और बात एक और बात प्लीज बताइए कॉमन टर्म है ये तो क्लियर हो गया ना जब जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना होगा अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर लगने वाला एफ आर एफ इंश्योरेंस एक्ट और आई आर डी एक् जो है आपको लिखने की जरूरत और एक्स्ट्रा लगते है स्क्रीन एंड देन नोट इट डाउन वैसे इससे ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं कुछ आपको इतना लिखना इज सफ़िशिएंट सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है प्लीज जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ जो लिखने जा रही हूँ वो आपको नहीं लिखना है मेरा सवाल है ऑडिटर की ड्यूटी क्या है एफ आर एफ के रिगार्ड में आपका काम थोड़ा सा और आसान करते हैं आपको ऑप्शन देते हैं ठीक है अभी मैंने लिखा ड्यूटी ऑफ ऑडिटर क्या है रिगार्डिंग एफ आर एफ अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देने जा रहा हूं आप बताओ ऑडिटर क्या ऑडिटर फॉलो करेगा एफ आर एफ या आप दोनों में से सही वाला ऑप्शन ढूंढ दो बस मुझे या ऑडिटर एग्जामिन करेगा कंप्लाइंस विथ एफ आर एफ बाय मैनेजमेंट सोच के बताओ कितना आसान काम कर दिया क्या ऑडिटर एफ आर एफ फॉलो करेगा फॉलो तो कौन करेगा जो अकाउंटिंग करेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है वो कौन है वो तो मैनेजमेंट है तो एफ आर एफ को फॉलो कौन करेगा फॉलो करेगा मैनेजमेंट जब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहे हैं जब वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट को हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग मतलब यू नो उसी की जगह पर जो शब्द यूज होता है सो so, ऑडिटर तो एग्जामिन करता है वेदर मैनेजमेंट हैज कम्प्लाइड विद एफ आर एफ आर नॉट तो मैं इसको इस तरह से भी क्या ऑडिटर फॉलो करता है नहीं ऑडिटर फॉलो इसको नहीं करता है ऑडिटर क्या करता है ऑडिटर एग्जामिन करता है स विद एफ आर एफ चलो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं एक सवाल मत लिखिएगा प्लीज आप ये तो मैं आपसे पूछ रही हूं राइट right? आप बताओ सो ऑडिटर ने क्या किया ऑडिटर एग्जामिन वेदर मैनेजमेंट हैज कंप्लाइड विथ एफ आर एफ कब जब वो क्या कर रहे थे जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सो so, ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है कि किसने क्या मैनेजमेंट ने एफआरएफ को फॉलो किया है या नहीं किया है क्या मैनेजमेंट ने अपने ऊपर लगने वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया है नहीं और एफ आर एफ के साथ में वर्ड क्या जोड़ देंगे एप्लीकेबल एप्लीकेबल मैम क्यों होगा क्योंकि हर प्रकार की एंटिटी के लिए एफ आर एफ अलग हो सकता है चलो अब मेरा सवाल इसको अगले कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं जो एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं अगर मैनेजमेंट ने फॉलो किया है इफ यस yes, और अगर फॉलो नहीं किया है इफ नो no, चलो इसको ओपिनियन से जोड़ के बताओ मैंने एग्जामिन किया क्या मैनेजमेंट ने एफ आर एफ को फॉलो किया है या नहीं किया है ये बहुत हेल्प करेगा मेरे को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर ये line, ये लाइन बेसिकली तो आप बताइए जब मैंने एग्जामिन किया कि क्या मैनेजमेंट ने FRF को फॉलो किया है या नहीं अगर मैंने कहा यस फॉलो किया है यस फॉलो किया है तो मैं क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी बताइए मेरी ओपिनियन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर बोलो क्या लगाऊं टिक लगाऊं है या कहूं नहीं है माम टिक लगाओ है, वेरी गुड बहुत बढ़िया और अगर नो अगर मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किया तो आप बताओ तब मैं किस ओपिनियन पे पहुंचू आपने बातों बातों में बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट कर लिया है कंप्लायस विद एफ का ओपिनियन पे कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा राइट right? तो मैं क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त के जो नियम कायदे कानून है का फॉलो नहीं किया है वही तो हमने वो दस एग्जाम्पल्स बनाए थे कि फॉर्मेट नहीं फॉलो किया ध्यान आया कैपिटल को रेवेन्यू रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया है एटसेट्रा सो वॉट इज एफ आर एफ एफ आर एफ वो सारी रिक्वायरमेंट है जो मैनेजमेंट फॉलो करता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा होता है तो कर रहा होता है। These requirements होता है, है, होती हैं, में, जो और से राइट ऑडिटर क्या करता है प्लीज बच्चों बोलो ऑडिटर क्या करता है सो ऑडिटर एग्जामिन करता है वेदर मैनेजमेंट नॉट अगर मैनेजमेंट ने फॉलो किया होता है तो ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर है सही किया है जो काम करना था किया है वो जो हमने दस एग्जाम्पल्स बनाए थे राइट आप बार बार बोलते थे हाँ, और क्या करता हाँ ठीक है किया है है ठीक और अगर नहीं तो वो क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है मतलब मतलब ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कैसी करे ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ने फॉलो किया है या नहीं किया है पार? अब इसके जो और फ्लो बनेंगे वो हम बाद में करेंगे इसको नहीं बनाना था आपने। ये थोड़ा आपको समझ आना चाहिए था आई को, तो में, 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 में को एक बार क्विकली अभी रिवाइज अभी, करते हैं और उसके साथ साथ में एक काम कर रहे हैं देखो ये आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए प्लीज डोंट आप प्लीज ये मत ध्यान दीजिए ये कहां दिए हैं कैसे दिए हैं वगैरह वगैरह आप मेरे को जो जो मैं आपसे पूछ रही पहले अगर आपको ये जो जो एमसीक्यूज में करा रही हो ये, ये आपको क्लियर है ठीक है सो so आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास चैप्टर नंबर वन में ये सब कुछ दिए हुए हैं बट एक्चुअली मेक्सअप है मतलब यू नो कि भाई कुछ आसान वाले कुछ टिपिकल वाले तो मैंने उसमें से आसान आसान कुछ कुछ जो आप आज की क्लास में कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ केवल मैंने वो वाले छाट करके चले चलो पहला बताओ आप मुझे

ऐसे का नंबर नहीं करें बस सिंपल बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी एज पर प्राइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अनुसार बनाए जाएंगे हमें क्या टर्म मिलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब पे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते होंगे अच्छा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है स्टैच सिर्फ लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल एफ एफ के हिसाब से या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं ऑडिटिंग की स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं तो किसके हिसाब से एप्लीकेबल एफ आर एफ जैसे हम अभी एस सी टू हंड्रेड जिसका ये सवाल है उस पे आएंगे तो हमें और क्लियर क्लियर होगा बट स्टिल अभी आपको एक बात होगी एप्लीकेबल दिस इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी दैट इज बींग यूज इन स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल एफ आर एफ यूज कर रहा है जब जिस साल में जो वाला एफ आर एफ लगता होगा वो वाला एफ आर एफ आ जाएगा राइट right? और एप्लीकेबल क्यों किसी के लिए एफ आर एफ हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हो किसी के लिए एफ आर एफ हो सकता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हो किसी के लिए एफ आर एफ हो सकता है कंपनी लॉ के अंदर दिया हो कि भाई शेड्यूल थ्री के अनुसार बनाना बैंक के लिए हो सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हो सो एप्लीकेबल एफ आर एफ दिस इज अ कॉमन वर्ड इस क्लाइंट को जो फॉलो करना है वो उसको फॉलो कर लेगा भाई राइट right? चलो

Excellent. तो आप एग्जामिन किसको कर रहे हो बाकी टर्मिनोलॉजी सीखा है आज जो वर्ड सीखा है सिर्फ वाला वर्ड देखो बाकी के मीनिंग धीरे धीरे होने लग जाएंगे बताओ ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करता है मैम ऑडिटर तो हमको पता है ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है तो ठीक है ओपिनियन सिंपल ऑडिटर शुड हैव साउंड नॉलेज ऑडिटर के पास नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की ऑडिटिंग की दोनों की नॉलेज होनी चाहिए या ऑफ की मैम सिर्फ ऑडिटिंग आने से चलेगा नो no. उसको दोनों चीजें आनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर उसको अकाउंटिंग करना नहीं आता तो वो दूसरों के अकाउंट्स को चेक नहीं कर पाएगा एक्सेलेंट ग्रेट चलो आप, आप मुझे बताओ देखो अब मैं ना पहले आपको यह वाला करा रहे सेक्शन वाला अभी नहीं कर रहे चलिए ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डैश टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देर ऑन आप किस चीज को किस चीज को चेक करते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो दिया है किसने बनाई है तो कंपनी के या, या पार्टनरशिप के या एन एंटिटी के आज बताओ आपने क्या पढ़ा है और हम कभी कभी क्या गड़बड़ करते हैं हम कभी कभी करते हैं ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एग्जाम में लिखाते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो कंपनी नहीं है वो एनी एंटिटी है प्लीज चलिए अब आप बताइए ऑडिटिंग बेटा किसके हिसाब से होती है सो ऑडिटिंग इज कंडक्टेड इन अकॉर्डिंगेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है आहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो अकाउंटिंग होगी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेते क्या क्या दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग उसके हिसाब से तो कॉस्टिंग होगी बोथ ए एंड बी नहीं बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता

अब बस ये वाला और बताओ नेक्स्ट वाला दो स्टेटमेंट दिया है, आपको ये बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत चलिए आप पढ़िए पहले इसको स्टेटमेंट वन तो वन कहता है आपसे मैं नहीं पढ़ रही हूं नहीं तो फिर मैं ना वही वाले वर्ड पे ध्यान लगा दूंगी जिसकी वजह से ट्रू है या फॉल्स है या जो भी है अच्छा मैं थी, सीधा सीधा पढ़ता हूँ अकाउंट्स आर प्रिपेयर बाय ऑडिटर प्रायर टू गेट देम ऑडिटेड हाँ अकाउंट्स तो पहले ही बनाए जाते हैं तो पहला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है नहीं माम ठीक कैसे है अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर ऑडिटर थोड़ी ना बनाते हैं अकाउंट्स को कौन बनाता है बच्चे तो अकाउंट्स को तो वेरी गुड कौन बनाता है मैनेजमेंट तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है इट इज इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है राइट right? चलो स्टैचरी ऑडिट कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये तो ठीक लग रहा है स्टैचरी ऑडिट यानी कि जिसका लॉ में रिक्वायरमेंट है और अगर उसका लॉ में रिक्वायरमेंट है तो लॉ के अंदर क्वालिफिकेशन भी दी हुई है और वैसे आपको यही दिया हुआ था देखो अगर आप यहां से कर रहे हो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बुक से कर रहे हो तो अगर इसके अंदर कोई बात आपको अकाउंट से चाहिए कि तो उसमें लिखी हुई है कोई बात अगर लॉ की हमारे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने लॉ के साथ में विद सेक्शन नंबर विद एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है ट नीड टू वरी अबाउट दैट ठीक है तो चलिए स्टैच डेडिट कैन बी कंडक्टेड ओनली बाई अ चार्ट अकाउंटेंट तो ये स्टेटमेंट सही है ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्योंकि ये रॉन्ग और ये ट्रू है तो ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू नॉट वन ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई ठीक है अब आप मुझे बताओ अभी हमने बस इतने ही करने हैं आप केवल मेरे को इतनी सी बात बताइए हमने आज जितने जितने अभी तक के कॉन्सेप्ट किए हमने टॉपिक नंबर 1.1 पॉइंट वन ओरिजन ऑफ ऑडिटिंग टू मीनिंग एंड नेचर उसके चार फैक्टर्स चारों फैक्टर्स में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या है उसके की वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटिटी ओपिनियन ओपिनियन के लिए आपने एंट्रीज एंट्रीज का एफ को आर आपने किया था एंड सी ए टी आपने स्टेटमेंट्स का किया था राइट देन बेनिफिट किसको होते हैं तो बेनिफिट यूजर्स को होते हैं यूजर्स को जिसमें एम्प्लॉज को भी बेनिफिट हो, हो रहा है शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट हो रहा है क्रेडिटर्स को लैंडर्स को भी बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है ये वाली बात की थी ऑडिट मैंडेटरी कुछ के लिए मैंडेटरी है तो वहां पे स्टैचरी ऑडिट बोलते हैं और वो कौन कराता है कौन करता है वो बेसिकली चार्ट अकाउंटेंट की उसमें क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब होती है पर वॉलेंट्री भी हो सकती है लोग उसके फायदे की वजह से ऑडिटिंग कराया करते हैं तो आपने एक तो ये वाले चार टॉपिक करे एक आपने ये डिफरेंस ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो आगे चल करके और अब ये टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वालिटीज वगैरह अभी आज मैंने ज्यादा आपको कराए नहीं है एक आपने छोटा सा टॉपिक एप्लीकेबल एफ आर एफ और किया कि एप्लीकेबल एफ आर एफ वो कहां पर दिया हुआ होता है सो so, एप्लीकेबल एफ आर एफ हमको क्या बताता है एप्लीकेबल एफ आर एफ वो सारी रिक्वायरमेंट्स बताता है जो 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 फॉलो करनी पड़ती है एंटिटी फॉलो करते हैं एंटिटी का मैनेजमेंट फॉलो करता है जब वो प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर रहे होते हैं सो ऑडिटर क्या करते हैं ऑडिटर चेक करता है कि क्या मैनेजमेंट ने एफआरएफ को फॉलो किया है या नहीं बिकॉज अगर उन्होंने फॉलो किया होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एंड फेयर होते हैं नहीं फॉलो किया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स श्रू एंड फेयर नहीं होते ओपिनियन so, बनाते वक्त ये बात देखता है कि क्या मैनेजमेंट ने अपने ऊपर एप्लीकेबल एफ आर एफ फॉलो किया है सो ऑडिटर एग्जामिन करता है कंप्लाइंस विद एफ आर एफ सो आई होप आप लोगों के आज के मेन बातें जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर होंगे एक बार आपको क्या करना है सिर्फ जो आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं शॉर्ट एक बार उनमें सारे की वर्ड्स उसको एक बार ही आपने रिवाइज कर लेना है और जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बुक में मार्किंग की है उन मार्किंग को एक बार जस्ट गो थ्रू कर जाना है हमारे पास नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज होता ही रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ये सब कुछ राइट सो प्लीज और अगर कोई बात अभी समझ में नहीं आई हो ना तो अभी के अभी पूछ लिया करो कि मैम ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है हमको समझ में आप यू कैन सेंड योर क्वेरीज बट द थिंग इज आई होप आपको इतनी बात अगर पक्के से समझ आ गई तो अभी हम स्टार्टिंग की क्लासेस में धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि हम ये गड़बड़ ना करें आगे जाके मैम मैं तो गलती से लिखाया फर एफ ऑडिटर फॉलो करता है ऐसे कैसे लिखा है भाई राइट right? और यही चीजें धीरे 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 टेक्निकल बनके हमारी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर हमारी तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी जस्ट so एक बार अपनी नोटिंग्स को गो थ्रू करेंगे एंड देन विल कम फॉर नेक्स्ट क्लास ठीक है थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे